We are working on the topic. I showed you different slides and I guided you that how would you be giving a very good presentation and how would you be preparing a good presentation. So whatever the material, the content you are supposed to read, I have written over there. As you see, I have shared the slide as screen. And here you see that this is going to be explaining the presentation skills in a way that there is a definition. What do we mean by presentation skills? And then rest of the topics. In sare topics ko, then before you go through that, to main ek thoda sa aapko idea de dun taki aapko clear ho jaye ki aaj hum kya cover karne wale hain. इसमें सबसे पहली बात यह कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए जितना ये मटेरियल यहाँ पर है आपके लिए सफिशिएंट होगा पढ़ना. अभी मैं आपको गाइड कर देती हूँ, आप अगर इसको साथ साथ मेरे नोट भी कर लो तो फिर आपको याद रहेगा कि आपने इस टॉपिक में क्या पढ़ना है. तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स का सेट 8 के नाम से आपके साथ शेयर कर लूंगी. आप इसको एक दफा रीडिंग कर लोगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ वो आप नोट कर लेना ताकि वहां पर आप फोकस करें. एक बात आप याद रखिए, एज फॉर एज थ्योरी इज कंसर्न और जितना भी आप पढ़ते हो उसमें टेक्स्ट आपका, जहां आपको ये बताया जाता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो आपका नोट करना जरूरी बनता है. बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ जी इसमें से पेपर में आपको सवाल आएंगे. तो आज ये एक प्रेजेंटेशन स्किल्स का टॉपिक, किस तरह से आपने इसको पढ़ना है मैं आपको गाइड कर देती हूँ. आप इसी तरह इसमें से क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जब ये मिल जाता है तो आप इसको पढ़ेंगे. और एक और चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे आपको यू जस्ट गेट दीज नोट्स, आपको सेट्स मिल रहे हैं, प्लीज इसको रिवाइज करते रहो, इसको पढ़ते रहो. इसका एक पूरा आपके पास एक ट्रैक होना चाहिए. अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको आखिरी दिन कुछ भी नहीं आएगा, साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे. अब ये जो आपको मटेरियल इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, ये आपको ज्यादा पार्ट ऐसा है जहां तक मैं आपको बता दूंगी कि मैंने खुद इस पर डिफरेंट जगहों से वर्किंग करके ये नोट्स तैयार किए हैं, आपने इनको पढ़ना है. इसके बाद आपकी और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी जो बुक्स रिकमेंडेड बुक्स हैं जो फॉरन ऑथर्स की हैं, उसमें कोई खास इसके बारे में इतना डिटेल में चीजें नहीं है. आपको और बहुत सी चीजों जगहों से, इंटरनेट से या और बहुत सी बुक से आपको ये चीजें मिल जाती है. मगर अगर आप इस टॉपिक को लेके चल पड़े, लाइक इसकी कोई एंड नहीं है, तो हम इन्हें इसको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे आप करेंगे इसको. जब ये सारा पॉइंट खत्म हो जाएगा तो जो ICME की बुक है उसमें से जितना आपको पढ़ना चाहिए वो मैंने इसी नोट्स के एंड में डाल दिया. तो आपके पास मेरे नोट्स आ गए, प्लस आपके पास ICME के जो बुक है उसमें से जो पढ़ना है वो आपको इसमें डाल दिया मैंने. और एक जगह पे मैंने इम्पोर्टेंट करके दो सेगमेंट्स को हाईलाइट किया हुआ, इम्पोर्टेंट करके, वो विजुअल एड्स के बारे में. वो ज्यादातर जो पार्ट है दैट इज स्कैटर्ड समवेयर CA की बुक में मौजूद है, वो मैंने वहां से कट पेस्ट करके लगा दिया है ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, बॉदरेशन ना हो, और ज्यादातर सवाल उसमें से ही आ जाते हैं. जब ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको सारा समझा देती हूँ, ये नोट डाउन एवरीथिंग, उसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक आज हमने शुरू कर लेना है और कल खत्म करना है इंशाल्लाह, कल भी पढ़ेंगे वो. अगर कल खत्म हो गया तो परसों नया शुरू करेंगे, मगर वो टॉपिक जो है इट वुड टेक सम टाइम. अब हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रीवियस भी हैं उनके फीडबैक पर डिप करते हुए, और आपके पास जो ICME की किट है, जो क्वेश्चंस की किट है, उसके सवालों को देखते हुए ये पता चलता है कि एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके सिलेबस आउटलाइन में तो नहीं है लेकिन CA के आउटलाइन में है, और चूंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है CA में, तो अक्सर उसमें से भी सवाल आपको दे दिए जाते हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जब मैंने आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ाई थी तब मैंने उसका जिक्र जरूर किया था, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने कहा था दैट वाज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और तीसरी आपको बताई थी इम्पर्सनल. लेकिन इम्पर्सनल आपने बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ना, वो मैस कम्युनिकेशन होती है. तो मैं आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के टॉपिक पर आपको थोड़ी सी गाइड करूंगी,
और वो आप अच्छी तरह जितने मैं आपको नोट्स भेजूंगी बस उतने ही पढ़ लेनी काफी है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। वो अलग सेट होगा सेट 9 के नाम से, वो आपको फिर जैसे आपका हल खत्म हो जाता है आपको मिल जाएगा। एक और सेट पेंडिंग है आपको आएगा आपके पास, जिसमें आपने लेटर के पार्ट्स को कि लेटर के क्या पार्ट्स होते हैं उस पे एमसीक्यूज आ जाते हैं, इनसाइड एड्रेस किसे कहते हैं, रेफरेंस क्या होता है, वो आपको सवाल उसके ऊपर आएंगे तो वो आपको भी मिल जाएगा। ये चीजें हो गई। फिर आपको एक और बड़ी जरूरी बात बतानी है कि नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग पर। मैं आपको बस ये ना समझे कि ये चीजें जो है हम इसकी कोई तरतीब नहीं है, बिल्कुल तरतीब है। कुछ चीजें हैं जो कम्युनिकेशन के लिहाज से हमें याद करनी है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसके क्या तरीके हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्या हुई, आपने अपवर्ड डाउनवर्ड सारे पढ़ लिया, ये सारा कुछ है। ये साइड बाय साइड चलेगा आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स के साथ। आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस में आपने लेटर सीख लिए, आपने मेमो सीख लिया, आपने सर्कुलर सीख लिया, अब आपके पास आता है रिपोर्ट राइटिंग। हम आपको रिपोर्ट राइटिंग इसलिए करा देंगे, अभी जो लेटेस्ट आपका पेपर आया है, आपके जो सीनियर्स आप कहेंगे उनको जिन्होंने अभी पेपर दिया है, उनसे मैंने मालूम कर लिया है, उनको एक लेटर आया था और एक रिपोर्ट आई थी, तो हम दोनों को ही बड़े अच्छे तरीके से लिखना सीखेंगे। उसके लिए क्लासेस मिस मत करना। जैसे ही ये टॉपिक इंट्रा पर्सनल का खत्म होता है तो मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक जो है पढ़ाना शुरू कर दूंगी, और आप ये समझ लो कि आप रिपोर्ट को लिखना सीखें, वरना बच्चों का फीडबैक मैं आपको बताती हूँ व्हाट दे डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। जो प्रीवियस स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट नहीं है वो बिल्कुल भी, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि उनके साथ ये प्रॉब्लम रही कि व्हेन दे वर डूइंग दैट रिपोर्ट दे वर टेकिंग मच टाइम राइटिंग डिलीटिंग, और उनको समझ नहीं आ रही है कि खत्म हो गई है या क्या करनी है। जब आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको कुछ बुक्स में से बने हुए आपको रिपोर्ट राइटिंग आपके साथ शेयर कर लूंगी, और इसी तरह जहां जहां मैं समझती हूँ कि आपके लिए जरूरी है और इम्पोर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स के लिए काम करते हुए मुझे अंदाजा है कि पेपर जो है वो कैसे सेट होता है और कहाँ से होता है। ठीक है, आई थिंक ये मेरा इतना लंबा जो खुतबा है वो आपको काफी फायदा दे गया है। और दूसरी बात, मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही थी जो मैं अभी आपको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा कि आपको करा देती हूँ, उस पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ। वो ये थी कि जैसे अगर आप में से किसी ने हकायात सादी पढ़ी हो तो सादी की हकायात बहुत मशहूर है। ठीक है, वन ऑफ देम इज, बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने, एक बात बड़ी खूबसूरत कही उन्होंने, कहा कि उसमें ना छोटे छोटे वाकियात है, उसमें एक जंगल से दौड़ी हुई बहुत ज्यादा एक फॉक्स जो है वो दौड़ा हुआ रहा है, और कोई आदमी उसको पूछता है कि तुम व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम क्यों भागे फिर रहे हो इतनी तेजी से, तो तुम शहर की तरफ आ रहे हो। तो उसने कहा कि तुमने सुना नहीं कि शहर के लोग आए हैं बड़े बड़े ट्रक में, वो ऊंट लेके जा रहे हैं, कैमल्स लेके जा रहे हैं, तो कैमल्स जो है वो पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो उसने कहा कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन, तुम्हारा क्या ताल्लुक कैमल के साथ। आगे से फॉक्स ने जवाब दिया कि अगर किसी ने शिकायत कर दी कि मैं कैमल का बच्चा हूं क्योंकि मेरा रंग उसके स्किन के कलर से मिलता है, तो वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, और जो तकलीफें मैं रास्ते में बर्दाश्त करूं जब तक कि उनको पता चले कि नहीं नहीं ये तो कैमल का बच्चा ही नहीं है, तो कैमल ही नहीं है, तो उसको कहीं भी फेंक देंगे, तो मैं उस तकलीफ से क्यों गुजरूं, मैं पहले ही अपना किनारा करूं और अपने आप को सेव कर लूं। तो ऐसे होता है कि कुछ टीचर्स जरा थोड़े केयरफुल होते हैं, मैं शायद बहुत सारे होंगे, मैं ये नहीं कहती, मैं भी उनमें से एक हूँ, ट्राई करती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें भी ना आ जाए जिसका ऐसे ही इनडायरेक्टली लिंक होता है आपकी सिलेबस के साथ, तो मैं साथ साथ वो भी करवा देती हूँ। वैसे भी इंट्रा पर्सनल जब पढ़ोगे तो इट्स गिविंग यू मच नॉलेज अबाउट मेनी थिंग्स, हम ये इसको सीखेंगे तो मैं आपको इससे अगला टॉपिक वो होगा। ठीक है, अब हम प्रेजेंटेशन स्किल्स पे पहले बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स की डेफिनेशन है सेट ऑफ एबिलिटीज दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू इंटरैक्ट विद ऑडियंस, ताकि वो ऑडियंस से बात कर सके, ट्रांसमिट द मैसेज विद क्लैरिटी, और अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ लोगों को बता सके, एंगेज द ऑडियंस इन द प्रेजेंटेशन, और उसका काम ये होगा कि वो लोगों को एंगेज करे ताकि वो उसको सुने, एंड इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द टारगेट ऑडियंस, और जो आपके सामने ऑडियंस है उनके
माइंड सेट को वो अंडरस्टैंड भी करे और इंटरप्रेट भी कर सके उसको, उसकी तशरीह भी कर सके, उसको समझ आ सके कि मेरे ऑडियंस को क्या चाहिए। तभी तो आप देखो, अगर आप एक प्रेजेंटेशन, एक तो आपके ऑफिस की प्रेजेंटेशन है, आपने कोई चीज सिखानी है उनको, कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है लोगों को, आपने कहीं सर्वे किया है उसके ऊपर आपने बनाकर लाए हो ओरल रिपोर्ट और आपने उस लोगों को बतानी है प्रेजेंटेशन के थ्रू, और एक और प्रेजेंटेशन तुम सोचो कि जैसे एंटरटेनमेंट के लिए होती है, आपने देखा है कि जैसे स्टैंड अप कॉमेडीज होती है, आपने अक्सर देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडीज में अ पर्सन इज गोइंग टू बी टॉकिंग ऑन डिफरेंट मैटर्स, बोले जाता है, उसको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो किस चीज के ऊपर वाह-वाह कर रहे हैं और किस चीज से वे अनॉयड हो रहे हैं। तो ऐसे में ऑडियंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर एक और बात करेंगे। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने पावर पॉइंट बना ली और बस खड़े हो गए और एक से दूसरी स्लाइड चेंज कर रहे, दूसरी स्लाइड चेंज कर ली, तीसरी कर ली, इससे लोगों को कुछ समझ नहीं आती। जब तक कि आपको कमांड ना हो, और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप एक घंटे की प्रेजेंटेशन दे रहे हो से और आपके पास सिर्फ 8-10 स्लाइडें ही हैं सिर्फ, एंड यू टॉक अलॉट ऑन दैट, तो क्या है, बिकॉज यू आर वेरी सक्सेसफुल। आपने कभी भी टेड टॉक्स अगर देखी, मैं बार बार जिक्र करती हूँ, टेड टॉक्स में बताए मुझे कि कितनी स्लाइड्स वो यूज करते हैं, ठीक है, चंद एक स्लाइड्स, बाकी सारी उनकी अपनी। जो प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट यू, प्रेजेंटेशन इज नॉट ऑल अबाउट वॉट यू कैरी लाइक द स्लाइड्स एंड समथिंग एल्स, दैट मैटर्स अ लॉट, इट डजंट मीन के दैट डजंट मैटर। जैसे स्टीव जॉब ने हमेशा कोई ना कोई चीज उठाई होती थी और अपनी प्रोडक्ट को दिखाता था, लेकिन जो इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली प्रोडक्ट दिखाकर और उसको बोलने का तरीका ही ना आता हो, तो आप समझते हैं कि जबरदस्त प्रेजेंटेशन हो गई है, तस्वीर इसने, चीज दिखा दी इसने, तो ये सारा कुछ नहीं होता। तो इस तरह आपने लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, उनको एंगेज करना है। इसके बाद व्हाई आर प्रेजेंटेशन स्किल्स सो इम्पॉर्टेंट, उसके लिए ये कहा गया है कि आपका जो करियर है ना, आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि आपकी रिसर्च हमने की, या फोबीज जो है वो एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, उसमें ये कहा गया है कि 70% ऑफ पीपल कंफर्म करते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है आर की है टू अचीविंग करियर सक्सेस, एंड 20% ऑफ सर्वे रिप्रेजेंटेटिव सेड दैट दे वुड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग टू अवॉइड गिविंग अ प्रेजेंटेशन। जब लोगों से ये पता किया गया कि आर यू कंफर्टेबल गिविंग अ प्रेजेंटेशन, उन्होंने कहा नहीं, खुदा के लिए मेरी जान किस तरह छुड़ा दे, मुझे प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े, क्योंकि चार ऑडियंस आप बैठ जाए तो आपकी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप अपनी बात नहीं कर पाते। और ऐसे ही होता है कि आप वही वो लोग जो घर में तो बहुत चौड़े होकर बातें करते हैं, लेकिन जो जाते हैं किसी जगह पे तो उनसे बात नहीं की जाती, उनसे प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दी जाती। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आप करेंगे, लिखा हुआ है यू नीड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स टू प्रेजेंट योर आइडियाज, प्रोजेक्ट प्लान, स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। देखो, या टीम, आपकी टीम है तो आप कभी भी आप जो बात कर रहे होते हैं लोगों के साथ आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, हम अभी रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक, उसमें भी मैंने आपको भी बताया है कुछ रिपोर्ट्स ओरल रिपोर्ट्स होती है, आपने जाकर बहुत सारा सर्वे किया, अब आपने बहुत बड़ी तादाद लोगों की बैठ गई है, या हो सकता है कि मीटिंग के दौरान आपका बॉस आपको कहे जी हमारे जो मार्केटिंग वाले हैं ये आपको सारा कुछ बताएंगे, तो मार्केटिंग वालों की अगर टांगे कांप रही हैं तो वो क्या बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, यू आर सपोज टू बी क्वाइट वेल वर्स्ड एंड कॉन्फिडेंट इन गिविंग प्रेजेंटेशंस। इसके बाद है व्हाई कांट एवरीवन बी गुड एट प्रेजेंटेशन, इसको जस्ट एक रीड करना है, ये आपको पेपर में नहीं आने वाला। उसमें ये है कि ये नर्व रैकिंग होती है, आपके नर्व जो है वो फट जाती है, आप इसके बारे में सोचते हैं, और मैंने आपको उस दिन भी बताया था इसे ग्लॉसोफोबिया कहते हैं, ये एक तरह की एंजाइटी है, या आप एक फोबिया है, एक डर है कि आप पब्लिक स्पीच जो है नहीं दे पाते और आपका जो है वो बहुत ही डर रहता है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि स्पीच एंजाइटी, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि इवन डेथ के डर से भी ज्यादा है, कि इंसान जो डेथ से डरता है उससे भी ज्यादा उसको डर लगता है कि वो लोगों के सामने खुद को क्या करे, प्रेजेंट करे। उसके बाद और इवन आप अगर गौर करें यहाँ पर, फियर रैंकिंग हायर देन फियर ऑफ हाइट्स, डेथ एंड इवन स्नेक बाइट, खुदा ना खास्ता स्नेक बाइट जो करे ना उसके डर से भी ज्यादा लोगों को
जो एवरेज देखा गया है उनको प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है। और मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा, मैंने आपसे बात की थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े मशहूर हुए और लेकिन वो बेचारे ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ और भी लोग हैं, जैसे यहाँ पर अब्राहम लिंकन कितना बड़ा प्रेसिडेंट था, उसको स्टेज फ्राइट था, मुश्किल था उसे, गांधी को था, अनेबल टू स्पीक, उसको डर था थोड़ा सा, यानी वो बाद में कॉन्फिडेंट हो गया। उसके बाद फ्राइड जो खुद एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है और साइकोलॉजी पे इतने उसके थेरीज हैं, उसने वो डरता था। इसी तरह है अगर आप थॉमस जेफरसन को जानते हो, ब्रूस विलिस को जानते हो, जूलिया रॉबर्ट्स को जानते हो, तो आप लोगों को इनका पता होगा। तो ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा डरते हैं, डरते रहे हैं किसके ऊपर, बात करने से। तो उनके हाथ कांपते हैं और उनकी जो आवाज जो है चेंज हो जाती है। हाउ टू ओवरकम स्पीच एंजाइटी, आपने इसकी एक रीडिंग करनी है। उसके लिए हैव कमांड ऑन योर प्रेजेंटेशन, कि आपने प्रेजेंटेशन पर, आई थिंक मेरे बैकग्राउंड में ये आवाज आ रही है, नेबर में कुछ लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आई कांट स्टॉप देम। अच्छा जी, हैव कमांड ऑन योर प्रेजेंटेशन मटीरियल, प्रिपेयर इट थरली, प्रैक्टिस करो ऊंची आवाज में पढ़ पढ़ के, वीडियो टेप करो, ये एक दफा रीड कर लेना, ठीक है। और वर्ड बाय वर्ड फॉर वर्ड मेमोराइज नहीं करना, आपने इसको समझ के करना है। और आपकी जब स्पीच का पार्ट आएगा उसमें भी आपको बताऊंगी स्पीच के कुछ तरीके, वो भी आपके सिलेबस में जरूर आपको कहीं ना कहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट चीजें जो भी हैं मैं एक दफा गो थ्रू करके आपको एंड में बता दूंगी। और यहाँ पर भी है कि आप जो है लोगों के साथ कंफर्टेबल हो, आप स्माइल करें, स्माइल से एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पार्ट आ गया कि आपने प्रेजेंटेशन की प्लानिंग कैसे करनी है, आपने फॉर्मल प्रेजेंटेशन की प्लानिंग क्या करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं इसको जो अभी हाईलाइट कर रही हूँ, आप जरा इसको देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स फॉर प्लानिंग। आपको पेपर में सवाल आ सकता है, आपके सिलेबस आउटलाइन में भी लिखा है कि आपकी प्रेजेंटेशन के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स क्या हैं। एक बात याद रखिए, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स दोनों को तब यूज किया जाता है, यानी जिसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक मैं आम सी मिसाल दिया करती हूँ कि इफ यू डोंट हैव इंग्रेडिएंट्स यू कैन नॉट बेक अ केक। इफ यू डोंट हैव इंग्रेडिएंट्स, तो चलो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लोगों को सबसे ज्यादा कराची के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, लाहौर वालों को भी बहुत पसंद है, गुजरा वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद है, इस्लामाबाद का मुझे नहीं पता, थोड़ा उनका डिफरेंट स्टाइल होगा खाने का। तो बिरयानी के पीछे लोग पागल हैं, इतनी जब मर्जी दे दें खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर उसके एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो आप कैसे बिरयानी बनाएंगे। तो आपके पास चीजें सारी चाहिए, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं आपके लिए। आपने चार चीजें पहले याद करनी है, उसके कंपोनेंट्स जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, पहला कंपोनेंट है पर्पस क्या है, आपने सबसे पहले पर्पस देखना है, ठीक है। उसकी नंबरिंग मैंने 1-2 करके दी है। पर्पस आपका क्या है, आपके पर्पस चार ज्यादातर होते हैं, इन्फॉर्म करना, परसुएड कन्विंस करना, इंस्पायर मोटिवेट करना, एंटरटेन किसी को एंटरटेन करना, यानी उनको कोई बात ऐसे बताना जिसे कि यानी वो खुश हों, जैसे कि अभी मैंने स्टेज की बात की है, ठीक है, कोई स्टोरीज बताई, कोई एंटरटेन किया लोगों को। नंबर टू है आपके ऑडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया में जितनी भी आप कि वो कहेगा ना कि आपने खत लिखना है, आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है, एक रिपोर्ट देनी है, तो बेसिकली हर एक के चार एलिमेंट जरूर होते हैं। वो आप बेशक नोट कर लो, लिख लो, हर जगह कॉमन वो है, आपका पहला ऑब्जेक्टिव या पर्पस, एक ही बात है। नंबर टू आपके ऑडियंस, नंबर थ्री आपका जो 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 सारा मटीरियल है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आप जब सारा मटीरियल डेटा इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें से सारा जब आपने फाइनलाइज कर लिया, जैसे मिसाल के तौर पर आप मुझे कहें कि जी मिस आपने फला जगह ट्रेनिंग करानी है, तो उस ट्रेनिंग के लिए जितना मटेरियल मेरे पास होगा मैं पहले उसको इकट्ठा करूंगी, फिर सॉर्ट करूंगी मैंने कितना बताना है, ठीक है। और मैं पहले प्लानिंग करके भी देखूंगी कि मैंने उनको बताना क्या है, उसके मुताबिक मैं उसकी सर्च करूंगी और मटीरियल मिल जाएगा, फिर उसको शॉर्ट लिस्ट कर लूंगी, फिर मटीरियल को करने के बाद उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी कि मैंने पहले कौन सी बात करनी, एंड किस पे करना है, बीच में क्या कहना है, कितनी चीजें एक्स्ट्रा करनी है उसके अंदर, ये सारा मेरा स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने क्या बोला अभी, पर्पस या ऑब्जेक्टिव नंबर वन,
नंबर टू ऑडियंस, नंबर थ्री स्ट्रक्चर, नंबर फोर स्टाइल. ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि किसी भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है चाहे प्रेजेंटेशन है उसके लिए आपको चाहिए. उसके बाद है ऑडियंस में आपने सबसे पहले देखना वो कौन लोग हैं, उनका साइज क्या है. साइज से मुराद ये नहीं है कि वो कितने मोटे पतले हैं, यानी हाउ मेनी पीपल आर देयर. उनकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी वो 50 लोग हैं, 20 लोग हैं. उसके बाद उनका एज ग्रुप, उनका बैकग्राउंड, जेंडर, और कितने टाइम उनका जो है उनको मिला है, उनकी इस वक्त साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, थके हुए तो नहीं है, अलर्ट है, कौन सा टाइम है. जैसे लोग कहते हैं ना मीटिंग्स शाम को नहीं रखनी चाहिए, शाम से मुराद है आफ्टरनून, क्योंकि लोग खाना वाना खा के दोपहर का वो दिल चाहता है कि बस उनको यॉनिंग हो रही होती है, वो चाहते हैं कि हम सो जाए, तो वो कहते हैं कि ये टाइम उनके लिए ठीक नहीं होता. तो यहाँ पर आपने सारा कुछ देखना है कि व्हाट आर देयर नीड्स, हाउ कैन यू मोटिवेट देम, हाउ कैन यू कन्विंस देम, इन्फ्लुएंस देम, और यू पास ऑन इंफॉर्मेशन टू देम, कब कैसे करोगे. उसके बाद अगला आपका यहाँ पर, ये सिर्फ अभी बात हो रही है ऑडियंस के बाद, वेन्यू, जगह कौन सी है. देखो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपने कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, आपके लिए जगह बहुत मैटर करती है. इवन सॉफ्टवेयर क्या है, कौन से वाला आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा है, किसमें आप लेके आए. और एक बात याद रखिएगा जिंदगी में मेरी, आपकी जहां प्रेजेंटेशन असेसमेंट होनी है, चाहे आप ऑफिस में करो या आपकी अभी एकेडमिक आपकी जो फाइनल में जाके होनी है, हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर अपने आप को मेल कर दिया करो. हमेशा याद रखना मेरी बात, तुमने यूएसपी पे रखी, यूएसपी लगी जिस कंप्यूटर में भी, अगर कॉलेज का ही ऑफिस का कंप्यूटर है तो हो सकता है उसके अंदर कोई वायरस डिटेक्ट हो गया या किसी भी वजह से सारी क्लीन हो गई, खाली पड़ी हुई है. उसको रिकवर करने के लिए भी कुछ लोग तो मिल सकते हैं, लेकिन इट वुड टेक मच टाइम. तो क्या करो, ईमेल अपने को की होगी, जाके उनके किसी भी जाकर जगह पे आप अपनी ईमेल रिकवर कर लेना, ठीक है ना. तो यहाँ पर मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ. अब वेन्यू क्या है, जगह कौन सी है, कमरा कितना बड़ा है, आपको कैसा सीटिंग प्लान चाहिए, आपको सीटिंग थिएटर स्टाइल चाहिए, एक कैबिनेट स्टाइल होता है जिस तरह के वो नहीं होते जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठते हो. जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग्स मैंने करवाई जिसमें मुझे दोनों चाहिए, मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने आगे इनको, या कभी कभार मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे एक बोर्ड रूम की तरह का एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे बोर्ड रूम होता है ना, मीटिंग हो रही होती है, क्योंकि मैंने लोगों को ग्रुप में बिठाकर उनसे काम करवाना होता है, और वो ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, एक मीटिंग कर रहा होता है. फिर मुझे छोटे ग्रुप्स चाहिए तो मुझे रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए. फिर मुझे ऐसा चाहिए कि वो सिर्फ मुझे सुने, और उनमें से कुछ लोगों को मेरा दिल चाहे हर टॉपिक के ऊपर मैं बुलाती हूँ और स्टेज पे बुला लेती हूँ, तो मुझे थिएटर स्टाइल चाहिए. तो आपको ये सारा कुछ देखना है किस तरह से है, आपको क्या है जगह कैसी है, और कहीं शोर तो नहीं है, और सारा कुछ आपको ये देखना है, ट्रैफिक के करीब तो नहीं है. फिर आपका टाइम, टाइम से मुराद पता है क्या है, कौन सा टाइम, मॉर्निंग टाइम, उस वक्त क्या होता है, एक रीडिंग कर लेना. आफ्टरनून वो कैसी है, या ये आप देख लेना, ये दोनों पॉइंट्स एक दफा बस पढ़ लेना. टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, आपको इसमें जब भी आपको प्रेजेंटेशन हो आपने जरूर ये पता करना है, ये जो प्रेजेंटेशन टाइम आपने मुझे दिया है 1 घंटा अगर से दिया है, तो क्या इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन मौजूद शामिल है या वो इसके अलावा है. बाजू का बहुत ही ज्यादा एक डिजास्टर आप फेस करते हो कि जी नए नए आप गए हो, पहले प्रेजेंटेशन का कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कहा जी आपकी 45 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है. अच्छा ठीक है, मैं तो पूरी तैयारी करके गया, आधे घंटे की मैंने कर ली, 15 मिनट लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. नहीं, 45 मिनट्स तुम बोलते रहोगे, आधा घंटा बाद में ऑडियंस को मिलेगा. तो जो एक्सपर्ट होते हैं जिनको कोई डर नहीं होता, हमारा क्या तरीका होता है, जैसे मैं एक से ज्यादा लोगों पर ट्रेनिंग करा रही हूँ, मैं अकेली हूँ, तो व्हाट आई डू, आई लीव द स्टेज, मैं माइक हाथ में पकड़ के लोगों के पास पहुंच जाऊं, लेकिन माइक में बोलो ताकि सबको सुनाई दे. सिर्फ ये नहीं कि मैं एक ने सवाल किया तो उसी को जवाब दे दी हूँ. उसका फायदा पता क्या होता है, आप अगर स्टेज पे लेके सबसे सवाल पूछते रहते हैं ना, तो इस तरह बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं, इस तरह बहुत सारे लोगों को अवॉइड भी करना होता है, क्योंकि आप इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकते, ठीक है. तो और बाजू का ऐसा भी होता है, कुछ लोग बहुत ही क्लेवरली मैनेज करते हैं. अभी मैं आपको तरीका बता दूं कि एक बंदे ने सवाल किया तो आपने ऑडियंस से ही जवाब पूछ लिया, आप
आपकी जो है ना गले की थकावट खत्म हो जाती है। आपके ऑडियंस में से कोई ऐसा एक्सपर्ट बैठा होगा, वो शायद आपसे बेहतर बता देते, क्योंकि आप तो थक चुके हैं ना इतना बोल बोल के, तो लोगों को शेयर करने दो। तो आपने कहा जी कोई बताएगा, आपने माइक उसके हवाले करवाया और उसने आपका मसला हल कर दिया, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये एक मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। इसके बाद है टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने पता कर लिया क्वेश्चन आंसर सेशन का। उसके बाद आपने सारा कुछ करके प्रिपेयर द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, आपने प्रेजेंटेशन का मटेरियल इकट्ठा किया। उसको कर लेने के बाद कैसे करेंगे, उसमें आपने नंबर वन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मेन पॉइंट्स, पहले आप बड़े बड़े मेन पॉइंट्स लिखें। असल में मेन पॉइंट्स एक आपका जैसे होता है ना शटरिंग होती है, जैसे आप शटरिंग समझते हो, जैसे घर बनता है तो छत बनानी होती है, तो पहले वो बनाते हैं ना बैम्बूज के साथ शटरिंग कर लेते हैं और वो सारा एक स्ट्रक्चर सा खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके मेन पॉइंट्स इज लाइक शटरिंग, आपने बैम्बू सेट कर लिए, इसके अंदर अब आपने मटेरियल ऐड करना है। चूज द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, उसमें आपने क्या क्या फिल करना है, आपने कॉन्क्रीट डालना है, सीमेंट डालना है, वो सारा कुछ डालो इसके अंदर। फिर सीक्वेंस योर प्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का है कि सीक्वेंस करने का मतलब ये होता है, मिसाल के ऊपर प्रेजेंटेशन का मेन टॉपिक है, मैंने उसके सब टॉपिक बना दिए और बकायदा मैंने उसके ऊपर टाइम लिखा है, मैं 15 मिनट तक बात करूंगी, अगले 15 मिनट क्या बात करूंगी, किस टॉपिक पे चली जाऊंगी, फिर मैं उसके बाद उन सब टॉपिक को नंबरिंग कर ली, किसी के 3 पॉइंट्स हैं, किसी के 4 पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर मुझे क्या बोलना है, मैंने क्या विजुअल्स देनी है, वो सारा मैंने डिसाइड किया। और अगर मैं बेतरतीब होके तैयारी करूंगी ना, तो मैं चाहे 7 दिन तैयारी कर दी लूं, मेरी कभी भी जाकर मेरी प्रेजेंटेशन नहीं तैयार होने वाली। तो व्हाट आई विल डू, आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ बिकॉज एवरीबडी इज बिजी, इट डजेंट मीन कि मुझे एक प्रेजेंटेशन टास्क आ गया, मैं दुनिया जहान के काम छोड़ के वही करती रहूं वही करती रहूं। व्हाट आई विल डू कि मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लूंगी। फिर है राइट इट आउट, फिर इसको लिख डालो, इसको लिखो तुम्हें क्या चाहिए। और कभी कभार हम ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली उनको स्लाइड्स पे डालने के बजाय पहले उसको वर्ड में पूरा तैयार कर लेते हैं, फिर हम स्लाइड्स पे डाल देते हैं, फिर हम विजुअल्स के बारे में डिसाइड करते हैं, यहाँ पे ज्यादा पावर पॉइंट है। इसके अलावा आपको मैंने क्रेजी का जिक्र किया, अभी मैं विजुअल्स पर बात करूंगी। विजुअल्स पर आपको सवाल ज्यादा आते हैं, ऑडियंस पे सवाल आते हैं, विजुअल पे आते हैं। ठीक हो गया, तो अब मैं आपको ये दो बातें बता दी। इसके बाद है रिव्यू एंड एडिट योर कंटेंट, आप अपने सारे पढ़ो क्या बोलना है क्या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है या टेक्निकल जार्गन है उनको स्क्रीन करो, ठीक है, उसको तैयार करो, उसके लिए रिहर्सल करो, रिहर्स करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, वो आपने की। उसके बाद यू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, आपने उसके लिए अपने सर को स्ट्रेट रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं आप एक दफा चाहेंगे तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी वोकल जो आपकी आवाज है, स्ट्रेस एंड पॉजेस का ध्यान करो कि कहाँ स्ट्रेस देनी है कहाँ पॉज देना है, ठीक है, और अपने आप को फेमिलियराइज विद योर विद द कंटेंट, मीन आपको सारा कंटेंट आना चाहिए, आपको टिप्स पे होना चाहिए कि इसके बाद में क्या बोलूंगा। उसके लिए हमेशा जो स्टार्ट करते हैं लोग, उनको बताया जाता है कि छोटे छोटे कार्ड्स बना लें, कार्ड्स पे लिखें, ठीक है, वो कार्ड्स तरतीब से पढ़ें, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुराने, अगर आप बहुत छोटे थे तो आपको याद होगा कि टीवी पर जो न्यूज पढ़ा करती थे न्यूज कास्टर, तो उनके पास भी कोई ना कोई छोटे छोटे कार्ड्स होते थे जिसको वो आगे पीछे करते थे। अब तो खैर बहुत ज्यादा एडवांस सब कुछ आ गया है, आपको सामने वो दिखा देते हैं, आप किसी स्लाइड के ऊपर या सामने कोई बोर्ड बुलेटिन बोर्ड या कुछ लगा होता है जिसको देखते हैं वो लोग अक्रॉस द वो जो कैमरा, तो वहां से वो पढ़ते रहते हैं, तो इस तरह वो इंटरेक्टिव भी रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ये भी आपका दिल चाहेगा तो एक रीडिंग बस कर लेना, आपने अच्छी तरह बोलना है, अपने कपड़ों का ख्याल, ड्रेस करना है अप्रोप्रिएटली, और हमेशा आपने अपने आप को रेडी करके जाना है, और जहां भी जरूरत होती है अपने वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपको कहा है कि टेड टॉक देखो तो तुम्हें ज्यादा पता होगा। हैंडलिंग क्वेश्चन आंसर सेशन इसका लास्ट पार्ट है, यानी आपने क्यू एंड ए सेशन इसको कहते हैं, ये देखिए आपको लिखा नजर आ रहा है क्यू एंड ए सेशन, इसमें आपने सवालों के जो जवाब हैं लोगों से पूछना है, और वो जब तक कि आप, और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जब आपको अपने टॉपिक पे कमांड है आपको सवालों के जवाब आ जाएंगे, आप अपने टॉपिक को ज्यादा पढ़ के जाएं,
उससे ज्यादा जो कि आपने प्रेजेंट किया, ताकि आपको अच्छी तरह पता हो। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके ऑडियंस में से कोई स्टेटिस्टिक्स या कोई डेटा पूछ लेता है, उसके लिए बेहतरीन तरीका पता क्या है, एक्स्ट्रा स्लाइड रख लो। अगर इतनी ही जरूरत पड़ गई है तो जब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है, आपके पास एक और फाइल पड़ी है, एक और आपके पास स्लाइड का पड़ा है, पावर पॉइंट पड़ी है, आप वो खोल के उनको दिखा दें। ठीक है, आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे से ऑडियंस पूछेगा तो मैं उसकी फोटोकॉपी करा के रख ली, उनको दे दे। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको पहले से तैयारी करेंगे और सोच के जाएंगे कि कौन कौन से सवाल जो है वो पूछेंगे। इसके बाद है पावर पॉइंट टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे आप। उसके लिए पहला पॉइंट ये है, प्लान द रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्लाइड्स। पहले सबसे पहले देखना है कि स्लाइड्स जो हैं वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, क्या उनको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर देंगी, वो किस तरह सपोर्टिव होंगी उनके लिए, आपने ये सोच के जाना है। वन आइडिया एट वन टाइम आपने डील करना है, ये नहीं कि आप बहुत सारे आइडियाज छेड़ दें और लोग कंफ्यूज हो जाएं। आपको पता है जो माइंड होता है ना, माइंड, उसको कंफ्यूजन नहीं आपने डालनी होती। आपका ब्रेन जो है वो सिलेक्शन, जो ऑडियंस का ब्रेन है ना, वो सिलेक्शन में प्रायोरिटी को सेट नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में इधर से उधर से उधर आइंस जो है वो फिरना शुरू हो जाएंगे। प्रायोरिटी आपको पता है, उसको नहीं पता, तो उसको तरतीब बताओ ना कि उसने क्या करना है। तो ये आपका काम है, इसलिए एक आइडिया एट ए टाइम बताओ। डोंट पुट कंटेंट ऑन स्लाइड्स कि आपने सारा का सारा जो है वो स्लाइड पे होल कंटेंट नहीं डालना। उसके लिए आपके पास जो है एक मैंने रूल आपको वो बताया था, एक रूल 4-5 का रूल है, 4x5 का, कि आपने 7x7 का रूल है कुछ जगहों पर, 33 वर्ड्स ज्यादा लगाओ, इस तरह के कुछ रूल है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको ये पेपर में आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। Include graphics to arouse emotions. आप कोई graphics use करें इसके अंदर, ठीक है? और इसके अलावा आपने कोई भी चीजें जैसे आप use कर सकते हैं जिसका जो fit हो जाए आपके उसके अंदर, photos हैं वो use कर लो आप लोग, clip art को use करो, लेकिन आपने वो वाले use करें जो बहुत ज़्यादा common नहीं होते। उसके बाद है keep your PowerPoint slide simple. इसको simple रखें, और उसके बाद बहुत ज़्यादा भरावा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है? बहुत सारे डिस्टर्बिंग कलर्स नहीं होने चाहिए। क्रिएट योर ओन ओरिजिनल पावर पॉइंट टेम्पलेट्स, ये बहुत जरूरी बात है लोगों की। जैसे आप जब स्लाइड्स बनाते हो ना, तो वो आपको डिजाइन्स की ऑफर करता है, तो आप डिजाइन ले लो, ठीक है, थोड़ी चेंजेस कर लो उसके अंदर, या बेहतर है कि आप अपनी कोई, जैसे मैं अक्सर जब मैं जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो मैं कभी भी ये वाले नहीं लेती। मैं उसके लिए आपको पढ़ाते हुए जरूर ले लेती हूँ, लेकिन जब मैं देरी होती है प्रेजेंटेशन में, व्हाट आई डू, फॉर इंस्टेंस प्रेजेंटेशन एक इंटरव्यू के ऊपर है, ठीक है, तो मैंने पहली स्लाइड के ऊपर कोई इंटरव्यू की पिक्चर रखी हुई है, उसी पिक्चर को मैं बैकग्राउंड पे थ्रो कर देती हूँ और फिर वो बैकग्राउंड चलता रहता है। लेकिन वो बैकग्राउंड जो है वो आपकी राइटिंग को जो आगे आई है डिस्टर्ब नहीं करे, तो या फिर राइटिंग वाले पार्ट को आप कलर कर लो, ताकि उससे भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उसके बाद है यूज अप्रोप्रिएट कलर्स, आपने सही कलर्स का इस्तेमाल करना है, ये ना हो के बहुत ही ज्यादा कलर्स आप इस्तेमाल कर लो। चूज फॉन्ट वेल, अच्छा चूज करो उसमें, यहाँ थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है कौन कौन सा फॉन्ट साइज, 24 से 32 तक, ठीक है, सारे कैप्स ना लिखो, ठीक है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और कुछ थोड़े से आपके जो फॉन्ट के कैटेगरीज हैं, कि अगर आपको नजर आ रहा है, अगर आपको पता है इसका, तो आपको ये पता होगा ये क्या होती है। नहीं आपको पता तो आप जाके जब पावर उस पर यूज करके चेक कर लो आपकी पावर पॉइंट के ऊपर, और आप देखो कि कौन सी वाला फॉन्ट साइज आप यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेक कर लो। उसके बाद यूजिंग वीडियो और ऑडियो, जहां जरूरत होगी आपने जी वीडियो ऑडियो लगाइए। और उसके लिए ये होता है कि आप स्लाइड के ऊपर भी उसको सेट कर सकते हो, और अगर ना वहां पे हो सके तो आप सेपरेट भी रखा करो, ताकि अगर वो ना खुले तो आप सेपरेट उसको दिखा सको, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रांजिशन एनिमेशन का इस्तेमाल प्लीज ना करो, कि लोग बाज हैं, आपको पता है प्रेजेंटेशन देने आते हैं, एक लाइन के ऊपर ना उन एक क्लिक करते हैं, एक लाइन उड़ के आ गई, दूसरा क्लिक करते हैं दूसरी लाइन उड़ के आ गई। खुदा के लिए बस करो, हम इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हमारी आंखें रह गई हैं तुम्हें देखते हुए, मत करो। और तो और उसके अंदर म्यूजिक रखा होता है, और म्यूजिक की आवाज आती है ढन, पता नहीं क्या करते हैं, क्या जो है अनाउंसमेंट करने लगे हैं, इस तरह की आवाजें होती है, इसका जरा प्लीज आप लोगों ने ध्यान करना। थिंक आउटसाइड द स्क्रीन, सारा स्क्रीन नहीं है, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन भी है, प्लीज अपने आप को ध्यान से
प्रेजेंट करो, आस्किंग क्वेश्चन वाइल यूजिंग स्लाइड. आप अक्सर उसमें ये होता है कि इंटरेस्ट के लिए, क्यूरोसिटी के लिए आप पूछ सकते हैं सवाल. अब इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, इस पे सवाल आपको आता है कि विजुअल एड्स कहाँ कहाँ यूज करनी है. इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है कि आपका बेनिफिट क्या होना चाहिए. विजुअल एड स्पेरिंगली यूज करो, यानी कभी कभार, बहुत की तो लोग जो है वो आपकी वर्थ खत्म हो जाएगी. विजुअल एड क्लियरली विजिबल टू एंटायर ऑडियंस. दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ इस वक्त, ऊपर लिख दिया है सारा पॉइंट विजुअल एड्स के बारे में, कि सारे ऑडियंस को विजिबल हो, ये ना हो कि कुछ हिस्सा लोगों को, कुछ हिस्से ऑडियंस को नजर आए, दूसरों का ना आए. इसके बाद विजुअल एड शुड बी डिस्प्लेड ओनली एट अ रेलेवेंट पॉइंट, जस्ट एट अ रेलेवेंट पॉइंट. और ये ना हो कि जब आपका पॉइंट खत्म हो गया, अभी तक स्लाइड वहीं के वहीं पड़ी है, इसका ध्यान करेंगे आप. उसके बाद है विजुअल एड शुड कंटेन ओनली सच इंफॉर्मेशन विच इज ईजिली कॉम्प्रीहेंडेड. ईजिली कॉम्प्रीहेंडेड मीन आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से उनके दिमागों में उतर जाए ऑडियंस के, वो आपने करनी है. इसके बाद विजुअल एड शोइंग क्लिप आर्ट फ्रॉम वेल नोन सोर्सेज शुड बी अवॉइडेड. अगर आपने कोई क्लिप आर्ट उठाया है, कोई तस्वीरें उठाई हैं, कोई इंफॉर्मेशन उठाई है, पहले से लोग व्हाट्सएप पे बड़ी दफा देख चुके हैं, खुदा के लिए मत दिखा उनको, फेसबुक पे देख चुके हैं, और उससे क्या होगा, आपकी ओरिजिनल प्रोफेशनल नॉलेज की कमी जाहिर हो जाएगी कि जी आपके पास ओरिजिनल नॉलेज ही नहीं है, आप लोगों की चोरियां कर करके चीजें दिखा रहे होते हो. ठीक है, इसके अलावा और भी होता है, जब आप कोई बहुत ही फॉर्मल आप कोई काम कर रहे हो ना, जब आपने, तो जब किसी की चीज हम दिखाते हैं तो प्लेजरिज्म में आ जाता है. ठीक है, इसे कॉपीराइट्स भी कहते हैं, आप इस तरह के काम ना करें. उसके बाद है आफ्टर ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट विजुअल एड स्पीकर शुड इमीडिएटली टर्न फेस. आप इमीडिएटली टर्न फेस करें टुवर्ड्स ऑडियंस, वरना आपको पता क्या होगा, आप विजुअल की तरफ मुंह रखा हुआ है आपने, या आप कुछ से, आपका स्लाइड्स नहीं है, आप बोर्ड यूज कर रहे हो एज अ विजुअल, आपने बोर्ड पे लिखे जा रहे हो, 3 मिनट आप लिखते हो गए, पीछे ऑडियंस पबजी खेल रहा है, क्या करोगे, कैसे देखेगा वो, या फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहा है, तो आपने क्या करना है उसको, ये आपको फनी लग रहा होगा बिल्कुल, तो क्या है यहाँ पर, आपने लोगों के साथ क्या रखना है, उनको एंगेज रखना है, उनके साथ साथ उनके रहना है, ये ना हो कि भाई आप वो आपसे बिल्कुल ही हट जाए. इसके बाद एक और पॉइंट है विजुअल एड के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है. उसमें आपने क्या पढ़ना है कि हमारे पास विजुअल एड किस किस किस्म की हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, इसके आगे डिटेल थोड़ी सी पढ़ना, ये तुम लोगों को आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद हैंडआउट्स. अब हैंडआउट्स क्या होते हैं, ये आपको पता है, आपकी फोटोकॉपीज मटेरियल देता है ना एग्जाम, जो भी टीचर आपको जैसे देता है, या ऑफिस में या किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको एक हैंडआउट या आपको फोटोकॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. इसके बाद है फ्लिप चार्ट्स. ये फ्लिप चार्ट्स मैंने आपकी तस्वीर आगे रख दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, एक ईजल की तरह, जैसे ईजल होता ना जो आप तस्वीर बनाने वाले लोगों को पता होगा, कैनवस लगा देते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैलेंडर की शक्ल का ना एक नोट पैड सा होता है, बहुत बड़ा, वो रोल पे चढ़ा होता है, आप मार्कर के जरिए लिखते हो और फिर उसको यूज करके उसको पीछे कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही से आपके, आप नोट पैड यूज करते हो बिल्कुल वैसे ही, तो नोट पैड की तरह वो पीछे चला जाता है. उसका फायदा ये है कि ये कंटेंट जो वाइप नहीं होता, इरेज नहीं होता, और अगर कोई लोग पीछे से पूछना चाहें तो पीछे आप कैलेंडर वाले पेजेस जिस तरह हैं उनको आगे कर लो तो दिखा दो, क्योंकि आपने तो मार्कर से लिखा हुआ था और वो ना वाइप होता है ना साफ होता है, तो वैसे का वैसा रहेगा. और अगर आप कोई ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत हाई टेक्नोलॉजी आपको नहीं चाहिए और आपके पास कोई बोर्ड शोर्ड भी नहीं है, तो आप ये फ्लिप चार्ट जो है वो किसी ईजल पे लगाकर आप इसे काम कर सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखें ताकि ऑडियंस जितने भी बैठे हैं उनको नजर आ जाता है. उसके बाद है ओवरहेड प्रोजेक्टर. अब ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए मैं आपको जो लिखा है वो पढ़ लेना. आजकल ओवरहेड प्रोजेक्टर स्मार्ट आए हुए हैं, आप वो यूज करते हो जिसपे एनोटेशन वगैरह भी आप कर लेते हो. ठीक है, आपको ज्यादातर मैथ्स के जो टीचर है वो यूज करते हैं. अब यहाँ पर ये वाला जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है इसे OHP कहते हैं, आप नोट कर लो, एग्जामिनर ने अगर OHP बड़ा आम है लिखना, वो यही लिखता है. ये पुराने जमाने का स्टाइल है जिसमें ट्रांसपेरेंसी एक होती थी, जैसे कि होता है ना एक्सरे फिल्म का, फिल्म होती है, जैसे कोई एक्सरेज आप करवाएं तो वो एक मोटा सा प्लास्टिक का
बोर्ड सा होता, कागज सा होता है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती एक ट्रांसपेरेंसी होती थी और अभी भी होती होगी। उस पे हम लिखते थे, स्पेशल मार्कर्स होते हैं जिससे आप कलर कर सकते हो, तस्वीरें बना सकते हो, और उसकी मजे की बात है फोटोकॉपी भी उस पे हो सकती थी। वो आपने करवा के यहाँ पे ऊपर रखनी होती थी, इस जगह के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर एक लाइट ऑन कर हो जाती थी जैसे आप इसको ऑन करते थे, और यहाँ पर ग्लासेस लगे हुए हैं कुछ, वो आपकी तस्वीर नीचे से ग्लासेस के थ्रू नजर आती थी, और ये मिरर सा होता था उससे सामने वाली दीवार के ऊपर रिफ्लेक्ट होती थी, बल्ब नीचे ऑन होता था, और एक मोटर सी चलती है जिसमें पंखा होता है कि गर्म ना हो जाए मशीन, और आपको एक आवाज आती रहती पंखा चलने की। तो ये पहले होता था, अब ये सारी की सारा क्या हो गया है, इट्स ऑल स्मार्ट, जैसे फोन स्मार्ट से। स्लाइड्स आपको पता है मैंने अभी क्लासेस में बहुत दफा यूज की आपके लिए, ठीक है, आपको स्लाइड्स मिली भी है, तो स्लाइड्स आपने बनानी, आपने एक फ्रीज फ्रेम फोटोग्राफ की तरह होती है, फिल्म ऑडियो दिखानी है वो आप दिखा दो, जरूर दिखाओ बीच में, एंड प्रॉप्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। प्रॉप्स क्या होते हैं, क्योंकि सीए की बुक में लिखा है, कहीं पेपर में ना आपको आ जाए, प्रॉप्स जो है असल में ये लफ्ज निकला है प्रॉपर्टी से, और स्टेज प्रॉपर्टी से ये लफ्ज निकला है। इसका मतलब पता क्या है कि जैसे स्टेज प्रॉपर्टी पता क्या होती है, जैसे स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, उसमें एक कुर्सी रखी हुई है, चाय का कप है, एक कंप्यूटर लेकर वो आता है, ये सारे के सारे स्टेज पे इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उन्हें स्टेज प्रॉप्स कहते हैं। आप क्या करेंगे प्रॉप्स, आपके प्रॉप्स हैं जैसे मॉडल्स होते हैं, जैसे गाड़ियों के प्रॉप्स बनते हैं, तो वो जो इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टीव जॉब जो है वो एक पूरा लेकर आता था कोई ऑब्जेक्ट, वो दिखाता था कि देखिए ये नया फोन है, नई चीज है, तो वो दिखाता था, उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देना, उसको दिखाना कि कैसे चलती है, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं, ये भी एक विजुअल एड का एक तरीका है। आपने सारी की सारी विजुअल एड्स और सारा कुछ देखा, अभी तक मैंने आपको बताया चार चीजें जिसमें पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट, स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है, और जो भी विजुअल एड पे तुमने पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है। अब आईसीएमए की बुक से ओरल प्रेजेंटेशन स्किल स्ट्रक्चर, इसकी बस एक रीडिंग आपने करनी है, इसमें कुछ चीजें जो आपको तंग करेंगी जस्ट एक दफा रीडिंग कर लेना, और कोई बात ये लिखा हुआ है कि जी कैसे लोगों को ग्रीट करो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, एक दफा रीडिंग करनी हो तो कर लेना, मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगी, ये नोट्स भेज दूंगी, अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं ये बेकार है तो बेशक काट देना, डिलीट कर देना। उसके बाद आपने कैसे एंड करना है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, और फिर कंक्लूजन से मतलब ये है कि इस पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन या शॉर्ट समरी ये है, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद ये भी देखा हाउ मेनी स्लाइड शुड यू प्रिपेयर, एक दफा इसको रीड कर लेना, बस एक दफा रीड कर लेना, मैंने जो पहले आपको पढ़ा दिया वो ठीक था, और रिलेशन इस्टेब्लिश करो ऑडियंस के साथ, ये पहले भी हमने बात की है, एक लफ्ज जो आपको तंग करेगा और रेड कर दिया वे है रिटोरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे में कि बुक में पढ़ा है, आपसे कुछ कोई आपको तंग ना करे तो मैं आपको समझा देती हूँ। रेट्रिक होता है एक, रेट्रिक रेट्रिक में एक तरीका है बात करने का। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आपने एक ऐसा क्वेश्चन करना है जिसका ऑडियंस जवाब नहीं देता, ऑडियंस एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कभी आपने सुना है कि लोग इस तरह करते हैं, आपसे तो नहीं पूछा, बस आपको एंगेज किया है, तो दिस इज कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चन, कि आपका जो रेटरिक एक तरीका होता है बात करने का, तो इसमें यहाँ पर क्या है रिटोरिकल, बाजू का आप रिपीट कर देते हो, जैसे मैंने पहले कहा था तो आपको समझ आई कि इसका ये मतलब है, तो इस तरह आप रिटोरिकल क्वेश्चन करते, ठीक हो गया। तो जैसे टीचर कहता है हाँ तो मैं ये पढ़ा, मैं क्या पढ़ा रहा था भला, हाँ मैं ये पढ़ा रहा था, तो वो भी रिटोरिकल क्वेश्चन है, तो इससे आप एंगेज करते हो। इसके बाद पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, ये आप एक दफा देख लेना, आई कांटेक्ट रखना, पॉस्चर क्या होता है, बॉडी मूवमेंट क्या है, ये मैं पहले भी आपको नॉन वर्बल में पढ़ा चुकी हूँ, हैंड्स कहाँ रखने हैं। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज फिर क्या है, कॉन्टेक्ट नहीं आपने आई किया, लोगों से अवॉइड कर रहे हो, इस तरह करेंगे, आपकी वॉइस एंड प्रोनंसिएशन ठीक होनी चाहिए। प्रोनंसिएशन का मतलब है कि आप किसी लफ्ज को प्रोनाउंस कैसे करते हो, और एक बात प्लीज नोट कर लें आप सारे स्टूडेंट मेरे, कुछ लोगों को एक पता नहीं चलता, वो कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्लीज ये गलत है, प्लीज प्रोनाउंस करना होता है लफ्ज को अदा करना, उसका नाउन जो फॉर्म है वो है प्रोनाउंसिएशन, आप स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। तो प्रोनाउंस एज अ वर्ब,
हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और हमारे वर्ड की प्रोनंसिएशन क्या है। देखो, प्रोनंसिएशन को एक्सेंट के साथ मिक्स मत करना। एक्सेंट आपका लहजा है। एक्सेंट ऐसा है कि जब हमारे जितनी पॉलिटिशियंस हैं उनको सुनो, वो जब बात करते हैं तो उनका किसी का गुजरांवाला का एक्सेंट है, किसी का कराची एक्सेंट है, किसी का इस्लामाबाद एक्सेंट है, किसी का लाहौर एक्सेंट है, ठीक है, सियालकोट एक्सेंट है। सबका एक्सेंट आपको पता चल जाता है कहाँ से आए हैं, ठीक हो गया। और या खैबर पख्तूनख्वा का एक्सेंट है, डिफरेंट एक्सेंट होता है, सिंधियों का अलग एक्सेंट होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे ही कह रही हूँ, वी हैव दैट एक्सेंट लहजा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अ डिफरेंट थिंग। अगर आप लफ्ज प्रोनाउंस ठीक नहीं करोगे तो लोग आपको स्पेयर नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेंट इज ओके, यू कैन इम्प्रूव योर एक्सेंट। एक होता है अमेरिकन एक्सेंट, एक होता है ब्रिटिश एक्सेंट। तो आपने ब्रिटिश जो लोग होते हैं वो आवाज में बहुत ही साउंड उनकी गूंजती है, जैसे वो बोलेंगे स्टॉकहोम ऐसे करके, होम नहीं कहते हम, तो ये उनका एक स्टाइल है। लेकिन अमेरिकन नहीं ऐसे बोलते, वो होम कहेंगे, ठीक है। उनको ने इतना ज्यादा अपने गले को तंग नहीं करना होता, तो ये एक्सेंट आपका जो होता है। लेकिन प्रोनंसिएशन में है कि आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है। अगर कोई साइकोलॉजी का फिजियोलॉजिकल कह दे या कुछ और पी को साउंड कर दे, तो फिर इसका मतलब है उसको बताओ खुदा के लिए पी साइलेंट है। प्रोनंसिएशन सही सीखो, ठीक है। और यूजिंग अ वॉइस स्लो और तेज आवाज कैसे करनी है। अच्छा, अब आपका प्रेजेंटेशन वाला ये पार्ट हमने पढ़ लिया। सिर्फ वो लोग जो बड़े थोड़े कह लें आप समझते होते हैं कि कुछ चीज मिस ना हो जाए, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि ये वाला टॉपिक कैपलन जो आपको पीडीएफ मिला है उसमें एक रीडिंग कर लेना। वहां पे पूरा एक चैप्टर है उसकी, वो है रीडिंग करने का पता क्या तरीका होगा, हेडिंग्स पढ़ लेना। हेडिंग्स पढ़ोगे, अगर कोई काम की लगी बात कि मिसने जो चीजें बताई हैं उनमें से शायद हो सकता है ये उसके साथ मैच करती है तो तुम पढ़ लेना। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, प्लीज नोट करते जाओ, नोट्स बनाओ अपने। तुम्हें कभी नहीं याद आएगा कि तुमने कहां से क्या चीज पढ़ी थी। अगर पढ़ा है तो उसका पेज नंबर फौरन लिखो। टॉपिक ये किया है, मसलन जी हमने कम्युनिकेशन का टॉपिक कर लिया, हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का टॉपिक किया, आपको नोट्स मिले हैं, आपको स्लाइड्स मिली हैं, आप अपने एक बनाओ पेज, डायरी पेज, उसके ऊपर आपने लिखा हो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेड फ्रॉम नोट्स मैंने पढ़ लिया, रेड फ्रॉम आईसीएमए बुक उसमें से भी मैंने पढ़ लिया, मैंने जी फला पॉइंट फला पेज कैपलन में लिखा हुआ था उसको भी रिवाइज कर लिया है, और मैंने जितने क्वेश्चन कर लिए हैं इसके एमसीक्यूज इस वाले रहते हैं, वो पेंडिंग रखना, उसके आगे क्वेश्चन मार्क रखो, जब कर लो तो उसे भी टिक कर लो, ये बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपकी जिंदगी में कोई तरतीब नहीं है। हमने अगर आगे निकलना है जिंदगी में तो वी आर सपोज टू बी डिसिप्लिन्ड, वी आर सपोज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, हमें ऑर्गेनाइज्ड रहना है। आप यकीन करें ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड लोगों से भी मेरी मुलाकात होती है, और ऐसे ऐसे भी अनऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल इनका कोई लगता ही नहीं कि कोई उनकी जिंदगी का मकसद भी है जिंदा रहने का, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। और जैसे मुझे हमेशा, मैं अपनी स्टूडेंट को याद करती हूँ कि उसकी इतनी मोटी फाइल के अंदर बकायदा उसने वहां पे टैग्स लगे होते थे, और वो मुझे बता देता था कि फलां डेट पर आपने ये काम कराया था और फला चीज हमने फला डेट पे की थी, ही न्यू दैट, ठीक है। इसी तरह मेरे बहुत सारे असिस्टेंट मुझे जब करते हैं हेल्प करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असिस्टेंट हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती कि मुझे मेरे से ज्यादा वो विजिलेंट रहे। उन्होंने मुझे हमेशा याद करा दिया कि ये काम आपने कहा था वो उन्होंने कर लिया है, आपको भेज दिया है, फाइल बना दी, आपके कंप्यूटर पे आके काम कर दिए, दे डू इट। तो जितने आप ऑर्गेनाइज लोग होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपकी जिंदगी में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और हम भी आइंदा जो हमारे छोटे हमसे जो भी लोग हैं उनके लिए हम एक रोल मॉडल बनेंगे कि देखो फला पर्सन ने ऐसा किया और देखिए वो कहाँ तक पहुंचा। क्योंकि जो मेहनत आप करते हो ना वो कभी रायगा नहीं जाती, वो हमेशा कोई ना कोई फ्रूट लेकर आती है आपके लिए, हमेशा। तो हमें ऑर्गेनाइज रहना, अपनी जिंदगी में तरतीब रखना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिए। अच्छा जी, अब हमारा ये टॉपिक जो है, अभी हमारे पास इस वक्त क्या है, 40 मिनट्स मौजूद है। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आने लगी हूँ,
आप एक थोड़ा सा, आप लोग भी जरा पानी का थोड़ा सिप ले लो, टेक अ डीप ब्रेथ। हमारा प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं जो कि इंटरपर्सनल के साथ पड़ा हुआ था, उसका नेबर। उसमें से सवाल ना आ जाए मैं आपको बताने लगी हूँ, और वैसे भी वो इंटरेस्टिंग है। हम सारी ये बातें करते रहे तो आप बोर हो जाते हो, इसलिए स्विच करती हूँ, टॉपिक्स को स्विच करती हूँ। लेकिन आप अपने टॉपिक्स को टिक करते जाओ, हमने ये टॉपिक कर लिया, हमने ये टॉपिक कर लिया है, क्या पॉइंट रह गया है। कोई आप जैसे आपके क्लास के सीआर हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपने प्लीज नोट कर लेना है कि कोई ऐसे टॉपिक्स तो नहीं है जो रह गए हैं, और जीआर तो आपने मुझे एंड में बताना है कि ये वाली चीजें भी हमारी रह गई। अगर कभी आपको कोई किसी से फीडबैक से, मैंने भी आपको बता दिया है ना कि आप वो स्टूडेंट ने बताया इंट्रा पर्सनल पे कुछ सवाल उनको आए, अगर या थिंकिंग स्टाइल पे कुछ सवाल आए, आपके सिलेबस में बिल्कुल आउटलाइन में जिक्र नहीं है इसका, डायरेक्टली कहीं जिक्र नहीं, लेकिन मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। नंबर टू ये है कि उन्होंने बता दिया आपको, आसानी कर दी, एक रिपोर्ट आएगी, एक लेटर आएगा, ज्यादातर ऐसा ही आएगा। और अगर एक रिपोर्ट एक सर्कुलर आ गया, एक रिपोर्ट एक मेमो आ गया, या एक लेटर एक मेमो आ गया, लेटर एक सर्कुलर आ गया, तो ये चार चीजें तो घूमती रहेंगी, आउट ऑफ फोर टू आपको आ जाएगी। एक और चीज जो है वो मैं इसके अलावा आपको कराऊंगी जरूर, क्योंकि वो तो आपके सिलेबस में है भी, वो है कि मैं आपको मीटिंग की कॉरेस्पॉन्डेंस सिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद, ठीक है, जब रिपोर्ट कर लेंगे। और एक और भी टॉपिक है प्रपोजल राइटिंग, वो मैं आपको सिखा दूंगी, उस पर सवाल आपको जरूर आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रपोजल आने वाला है। मेरे ख्याल ये बहुत ही एग्जामिनर शुडंट बी डूइंग जस्टिस विद स्टूडेंट्स कि वो आप एक ऑनलाइन जब आप दे रहे हैं और आपसे प्रपोजल लिखवाता है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। तो आपकी समझ लें कि आप छोटे छोटे बॉक्सेस बना लो अपने दिमाग के अंदर, हर बॉक्स के अंदर एक चीज रखो और वो उसको देखो कि वो दूसरे के साथ इंटैक्ट रहे और ना, यानी उसके साथ ना मिले, तो इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक हो गया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि मैंने भी आपको बताया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इसके बगैर जो है वो, इसको आप सुनेंगे जब तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत ही हमारे लिए काम की बात है, ठीक है आपके पास। और अभी मैं प्रेजेंटेशन वाला भी आपको भेज दूंगी और आपने इसको पढ़ लेना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखो, इसका जिक्र मैंने किया था, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, आपको याद है ना, स्लाइड्स पे दिखाया था आपको। इसके अलावा थिंकिंग टाइप्स, ये भी मैं आपको बताती हूँ, इसका ताल्लुक इंट्रा पर्सनल से तो नहीं है, लेकिन दिमाग में ही थिंकिंग होती है ना। अच्छा, इंट्रा पर्सनल को सेल्फ टॉक कहते हैं, खुद से बातें करना, खुद से प्लानिंग करना। उसके लिए जो चीजें आपने याद रखनी है, मैं जब आपको ये वाला टॉपिक भेजूंगी ना तो उसमें मैं हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है, वो हाईलाइट कर दूंगी चीजें, बस उसको रिवाइज कर लेना, डिटेल पढ़ लेना लेकिन उसको रिवाइज कर लेना, वो इंपॉर्टेंट होंगी, सवाल बनेंगे तो वहां से बनेंगे। अच्छा जी, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूली गोइंग ऑन इन आवर माइंड्स। यहाँ बड़ा खूबसूरत लफ्ज उसने कहा है, कंटिन्यूली। कंटिन्यूली का मतलब है मुसलसल, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर। जो कंटिन्यूसली होता है ना लफ्ज, उसका मतलब होता है मुसलसल बगैर रुके। जैसे कंटिन्यूली का मतलब, जैसे कराची में कितनी बारिशें हुई, तो आपने कहा है इट हैड बिन रेनिंग कंटिन्यूली फॉर द लास्ट 7 days। कंटिन्यूली मीन रुक रुक के, फिर हुई रुकी। लेकिन ये क्या कहो अगर कि इट हैज बिन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर कंटिन्यूअसली, यानी बगैर रुके, आधे घंटे से बारिश हो रही है, जरा भी नहीं रुकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, सच इंटरनल कॉन्वर्सेशन क्यों हमारे दिमागों में होती है, क्लैरिफाइंग थॉट्स, हम अपनी सोच को क्लियर करते हैं, एनालाइजिंग अ सिचुएशन, हम किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्टिंग अपॉन किसी चीज पर अपनी राय का इजहार करते हैं, अप्रिशिएटिंग समथिंग, किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं। आप अपने दिमाग को थिंकिंग से नहीं रोक सकते, आपके दिमाग में थिंकिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, और क्या कुछ हो रहा है। कुछ कभी कभार आपने सोचा कि दो तरह से लोग आपके दिमागों को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक एक्टिविटी में कभी कभार अपनी ट्रेनिंग्स में कराया करती हूँ,
उसमें क्या होता है, आप आंखें बंद करें एक लम्हे के लिए, लंबी सांस लें और सोचें कि पहली सोच आपके दिमाग में क्या आई है। तो जो आपके दिमाग में पहली सोच आई है वो आपके दिमाग की थिंकिंग को उस वक्त यानी डिपिक्ट कर रही है, शो कर रही है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आंखें बंद की, पूछा लोगों के बारे में सोचो, तुम्हारे दिमाग में पहला इंसान कौन आया। आप यकीन करें, दो तरह के, वो लोग जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पॉजिटिव, या तो वो आएंगे, और वो लोग जो आपकी जिंदगी में समहाउ इंपॉर्टेंट हो गए बट नेगेटिव, और आप उनको एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आप उनको अच्छी तरह जान गए होते हैं और आपके दिमाग में वो उनके बारे में बातें आती रहती हैं और हर वक्त आपके जेहन में आ जाता है कि इसने फलां जगह पे क्या किया, आप स्पेयर नहीं करते। तो अक्सर दो तरह के लोग आपके दिमागों में आते हैं, तो ये दिमाग सोच जो है आप नहीं रोक सकते। इसके बाद है जी, एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे, मास्टरिंग द स्किल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अगर मैंने अपने आप से बातें करने में माहिर हो गया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप क्लासेस नहीं हो रही, 3 दिन अब क्लासेस नहीं होगी जब, तो तुम कोने में बैठ के अपने आप से बातें कर रहे हो कि मिस ने तो कहा था सेल्फ टॉक करो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब है खुद ही दिमाग में बातें आती हैं। जो लोग योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो यही सोचते हैं, तो उनके दिमाग में ये बातें आती रहती हैं। तो अगर आप अपने आप को सही एनालिसिस कर पाए, मुझे अपनी कमजोरियों का और अपनी जो पॉइंट्स हैं यानी स्ट्रेंथ्स का पता हो, अपनी लिमिटेशंस का पता, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है, तो मैं अपने आप को किसी जगह पे रखकर चेक कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ कि नहीं, मैं इन लोगों के साथ काम कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा और फिर मुझे लोगों का भी पता चल जाएगा कि मेरे अंदर अगर ये चीजें हैं तो दूसरों के अंदर भी तो हो सकती है। ठीक है, ये आपको इसमें बात आई। उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाता है, वॉइस कमिंग फ्रॉम इनसाइड, आपके अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है, हर वक्त चल रही है, आप लोगों के बारे में और अपने बारे में सोचते रहती है, ये बेसिक्स है। अब आपको जो सवाल आ सकता है वो ये है, थ्री इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए तीन चीजें आपको चाहिए। एक आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। क्या मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपना पूरा पता है। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया लफ्ज, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपना पूरा पता है। नंबर टू, मेरी परसेप्शन, मैं मेरे अंदर मैं किसी चीज के बारे में क्या परसीव करती हूँ, मेरी परसेप्शन कैसी है लोगों के बारे में या किसी खास जगह के लोगों के बारे में। अब अगर आपको मैं पूछूं अमेरिकन्स के बारे में, तुम्हारी क्या परसेप्शन है, क्या सोचते हो अमेरिकन्स कैसे होते हैं, क्या सुना है तुमने लोगों से, अच्छा इंडिया के लोग कैसे होते हैं, उनके बारे में तुम्हारी क्या परसेप्शन है, तो तुम्हारी परसेप्शन तुम्हें क्लियर होगी ना। दुनिया में जो टीचर्स हैं उनके बारे में तुम्हारी क्या परसेप्शन है, दुनिया में डॉक्टर्स हैं उनके बारे में क्या परसेप्शन है, दुनिया में जो रिलीजियस बनते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम बड़े रिलीजन को आगे प्रोपेगेट करें, उनके बारे में तुम्हारी क्या परसेप्शन है। तो हमारी डिफरेंट परसेप्शन है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं वो तो बिल्कुल नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं जानता हूँ बहुत जबरदस्त होते हैं। और तीसरी है आपकी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस होती है किसी इंसान से आपकी तवक्कोआत, किसी लम्हे से, किसी सिचुएशंस के तहत तवक्कोआत। और मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त, चूंकि मेरी आदत है कि मैं साथ साथ तबलीग का काम भी करना शुरू कर देती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि प्लीज लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखा करो, जीरो एक्सपेक्टेशन रखो तो बंदा थोड़ा सा भी कोई तुम्हारे लिए कर दे तुम कितने खुश हो जाओगे, यार इसने कुछ तो किया मेरे लिए। और अगर तुमने इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन का ग्राफ बना के रखा है तो उनमें से जरा सा भी कम करेंगे तो मायूसी होगी तुम्हें, तो इसलिए बेहतर है रहने ही दो, खुद जितना कर सकते हो लोगों के लिए करो, लेकिन लोगों से जीरो एक्सपेक्टेशन रखो और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं आपसे एग्री करते, ये क्या बात हुई, मेरे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट ना करूं, जरूर करें, मैं ये नहीं कहती, लेकिन फिर भी अपने दिल में एक थोड़ी सी सोच रखिए कि इसने मेरे लिए कुछ ना भी किया तो इट्स ओके,
मैं छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो फ्यूचर बेस्ड होती हैं, ये आपने याद रखना है। इसमें सिर्फ वो चीजें हाईलाइट करूंगी जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, बाकी आप इसकी रीडिंग सिर्फ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले अपने आप को परसीव करना है, मैं कैसा हूं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। कुछ लोग फौरन आके बताते हैं, मिस मैं क्या करूं, मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी अवेयरनेस है ना, तो ठीक करो। कैसे करोगे, इसके लिए कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ कि गुस्सा आता है तो कैसे ठीक करना है। तो इस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। देखो दुनिया खुदा ना खास्ता खत्म नहीं हो गई, एक के बाद दूसरी चीज पड़ी है। मैं गाड़ी जैसे ड्राइव करती हूँ, तो मैंने अगर बड़ी दूर से सिग्नल दिया हुआ है कि भाई मैंने राइट होना है, मैंने राइट होना है, मुझे राइट लेन लेने दे, मैंने टर्न होना है, मजाल है जो कोई जाने दे आपको ना। उन्होंने तो पूरी कीमत अदा की हुई है सड़क की, वो बिल्कुल आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो आपका जो मर्जी हो, आपको सिग्नल पड़ जाए, मगर वो लेन नहीं आपको देने देंगे। तो इस तरह लोग अब क्या है, मैं कुड़ना शुरू करूं, कुछ लोग खुदा ना खासे गालियां देनी शुरू कर देते हैं, पर तुमने सिग्नल दे दिया है ना, वो जो इंडिकेटर, उसके बाद भूल जाओ कि वो तुम्हें देगा नहीं देगा। दे देगा तो बड़ी मेहरबानी, सलाम कर लो उसको जाते हुए कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए भी तुमने मुझे बहुत अच्छी जगह दे दी है, वरना तो बिल्कुल तुमसे मेरी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस तरह करके ये नहीं है कि दुनिया में खत्म हो गए लोग, अच्छे करते हैं लोग, बहुत बहुत करते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है, या तो आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी अपनी पर्सनल जो आपके एथिक्स बड़े हाई होते हैं, वैल्यूज हाई होती हैं, तो आप इस तरह के काम करेंगे, लोगों को जगह देंगे, पेडेस्ट्रियन को जाने देंगे, साइकिल चला रहा है उसको बेचारे को गुजरने देंगे, वो गलती भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप जाने दें उसको, ठीक है। लेकिन वैसे हमारे यहाँ आपको पता ही होगा, जो लोग ड्राइव करते हैं, सबसे जो निकम्मे लोग है ना पेडेस्ट्रियन, उनको नहीं पता, वो बगैर देखे सड़क क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। वो इतनी अगर आप स्पीड से आ रहे हैं तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें जो है दैट्स रिलेटेड टू दैट। पहला आपके पास सेल्फ कॉन्सेप्ट की डिटेल है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के आगे तीन मेजर फैक्टर्स हैं, थ्री मेजर फैक्टर्स हैं, ये देखिए। उसमें बिलीफ है सबसे पहले, वैल्यूज है, एटीट्यूड है। इसके बारे में ज्यादा परेशान ना होना, बस समझ लो बिलीव्स क्या होते हैं। आपको मैं इसकी थोड़ी डेफिनेशन बेहतर करके भी भेज दूंगी। डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वो होते हैं जो बता दिए जाते हैं कि ये है, प्रेस्क्रिप्टिव होते हैं तुम्हारा दिल चाहे तुम उसको इस्तेमाल करो ना करो, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेस्क्रिप्टिव। जैसे एक चीज डिस्क्राइब कर दी गई, मिसाल के तौर पर ही कहा गया कि नमाज पढ़ो, तो आपको रिलीजन ने बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया। आगे प्रिस्क्रिप्टिव में आपकी चॉइस होती है कि आप उसको, जैसे कहा जाता है कि पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है, ना पढ़ोगे तो ये नुकसान होंगे, वो आगे जाके प्रिस्क्रिप्टिव में आ जाता है। तो बिलीफ आपके दो तरह के होते हैं और आपको राइट रॉन्ग में फर्क बताते हैं। उसके बाद आपकी वैल्यूज, वैल्यूज को उर्दू में कहते हैं अकदार, आप डीप रूटेड मॉरल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी आपके अखलाक बड़े डीप रूटेड होते हैं। आपको पता है जैसे अब मैं हिंदू का जो है, हिंदुइज्म की जो एक टर्म होती है हिंदू लैंग्वेज में है, तो हिंदी जो है वो इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, उसको दुनिया ने करार दिया है कि स्वीट लैंग्वेज है, क्योंकि वो ज्यादा हार्श वर्ड्स नहीं ना यूज करते। हार्श वर्ड का मतलब ये नहीं है हार्श साउंड्स, वर्ड नहीं, साउंड्स, जो साउंड्स होती है ना वो हार्श साउंड्स होती है, जिसमें ट साउंड आती है और ड साउंड आती है। उर्दू में ट भी है ड भी है, लेकिन हिंदी में नहीं है, ठीक है। सबसे जो स्वीट लैंग्वेज है, स्वीटेस्ट लैंग्वेज पता आपको क्या है, फ्रेंच। फ्रेंच इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज। उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेज में अरेबिक भी फॉल करती है किसी जगह पर, स्वीटर देन उर्दू, पंजाबी और बाकी भी जो आपकी बोली जाती है, क्योंकि हम र के साथ, र को लाहौरियों का तो मसला है बहुत ज्यादा, रे और अड़े का सबसे बड़ा मसला है लाहौरी, अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं भी लाहौर से ही हूँ इसलिए मैं खुले दिल से क्रिटिसाइज कर सकती हूँ कि यहाँ पे लोगों का बड़ा मसला है, ठीक है। बच्चे का नाम बोलना नहीं आता तो रे बोलनी नहीं आती तो उसका नाम आमिर रख लेते हैं,
आमिर इधर आओ, अमी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बच्चे का नाम बेचारे का रखा हुआ है और आपको नाम नहीं बोलना आ रहा। तो इस तरह करके ना साउंड्स हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज, वो हाँ हिंदी की बात करी थी, वो लफ्ज यूज करती है हमारा परंपरा। वैल्यूज आर जस्ट लाइक परंपरा, आपकी जो है, आपकी जो आपकी क्या वैल्यूज हैं, जैसे आपके घर में खानदान की कुछ वैल्यूज हैं, आप बड़ों को इज्जत करते हैं, बड़े पहले खाना निकालते हैं, बड़े पहले बैठते हैं तो फिर आप बैठते हैं, इस तरह की चीजें वैल्यूज हैं, ठीक हो क्या? तो आपकी मोरालिटी आपको ये सिखाती है, बस आप इसको समझ लें ध्यान से। उसके बाद एटीट्यूड है, एटीट्यूड बहुत ही गहरी बात होती है, ये हम सीखते हैं, ये आपकी टेंडेंसीज हैं। मैं आपको आसान करके भेजूंगी, मुश्किल लफ्ज निकाल दूंगी, आपकी टेंडेंसीज हैं, आपका रुझान है किसी चीज के बारे में। अब आप ये कहेंगे रुझान क्या होता है? देखो अगर मैंने आपको कल बुलाया कि आप मेरी ऑफिस आइए और हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, मैंने देखा कि आप आए और आपने, लगता है कि आप घर से सोए हुए उठ के आ गए, बाल आपके उड़े हुए हैं, जूता आपने चप्पल पहनी हुई है, आपके कपड़े आयरन नहीं हुए हुए, तो आप नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हो, यानी यू आर नॉट सीरियस अबाउट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू सी, या यू आर नॉट सीरियस अबाउट कमिंग टू माई ऑफिस, यू डोंट केयर अबाउट दैट, तुम ये बन के आ गए हो। और मैं अपने दोस्तों को, ये साथ वाले कॉलीग कहेंगे ये कौन आया था तुम्हें मिलने के लिए। तो आपने किसी भी चीज के लिए अपना एटीट्यूड जो है वो शो करना होता है, जैसे हम पूरी फोकस्ड होके पढ़ते हैं, हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव है हमारा किसके लिए, फ्यूचर के लिए, हम फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं तो हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाता है, ये आपने याद रखना है। और ये एटीट्यूड जो है ग्लोबल होते हैं, दुनिया भर में इसके बारे में लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद एक और बात उन्होंने कही, ये बीच में ही है वैसे समझ लो, हमारे 3 सेल्स हैं, हम जब अपनी कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट अपने बारे में 3 तरह का होता है। ये हट गई है बात वहां से, अभी आपने एटीट्यूड तक तो उसके पार्ट्स पढ़े हैं ना, तो अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में हमारे अपने बारे में 3 हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे 3 सेल्फ होते हैं। एक होता है रियल सेल्फ, सचमुच मैं हूं, जो जो मैं सब सचमुच हूं, जब मैं अकेला बैठूं अपने बारे में सोचूं तो मेरे अपने अंदर कितनी गलतियां मुझे नजर आती हैं, कितनी परेशानियां जो मैं ठीक अपने बारे में नहीं कर रहा या कर रही, मेरा रियल सेल्फ है, मेरे अंदर ये शॉर्टकमिंग्स हैं, रियल सेल्फ है। आइडियल सेल्फ होता है कि जो आप समझते हो कि मैं ये बन सकता हूं, बिल्कुल बन सकता हूं, मेरे अंदर ये तमाम क्वालिटीज है, मैं क्यों नहीं बन सकता, वो आपका आइडियल सेल्फ है। यू थिंक यू वुड बी, यू थिंक यू कैन बी, एंड द पब्लिक सेल्फ इज हाउ यू अपेयर टू अदर्स, आप लोगों को कैसे दिखाई देते हो, आप लोगों को अपने बारे में कितना जानने देना चाहते हो, आप ड्रेसअप कैसे होके जाते हो, आप अपनी चीजें वो कैरी करते हो, ठीक है? आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बड़े सूटेड बूटेड बन के जाते हैं, और उनका रियल सेल्फ अगर आप घर वालों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि अंदर की बात क्या है, घर में जो है वो उनकी जुबान नहीं टिकती और बाहर जाके वो इतने सॉफ्ट बने होते हैं। तो कितना बड़ा तजाद आ जाता है रियल और पब्लिक सेल्फ के अंदर। तो इसलिए ये बात सिखाई गई है कि हमने खुद को इम्प्रूव करना है, ताकि हम जब इम्प्रूव करेंगे ना, तो आपको पता है हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो बहुत कुछ आपको डिपिक्ट करता है, शो करता है कि हम अंदर से कैसे हैं, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी बात होती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट का। दूसरा है परसेप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको सवाल आ सकते हैं। परसेप्शन जो है उसका फोकस है, परसेप्शन मूव्स योर फोकस टुवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड, आप बाहर की चीजों के बारे में सोचते हो, उनके बारे में राय कायम करते हो, वो आपकी परसेप्शन है। और इसकी मैं डेफिनेशन आसान करके भेजूंगी, ये सीए की बुक से है, ये थोड़ी मुश्किल दी हुई है। परसेप्शन जो होती है वो क्या है कि आप चीजों को कैसे परसीव करते हो, आप कैसे उनको मीनिंग देते हो, कैसे लेबल करते हो, ठीक है? आपने किसी चीज के बारे में एक खास जो है परसेप्शन बना ली होती है, तो हाउ यू थिंक अबाउट दैट। और अक्सर ऐसा होता है परसेप्शन कि आप पहले बाहर से नॉलेज हासिल करते हो, आपके दिमाग में चीज जाती है, फिर उसको इंटरप्रेट करते हो और फिर आप देखते हो। फॉर इंस्टेंस आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पे जाकर आपने सोच लिया कि बेशक मेरे दोस्त ने बहुत कहा था ये अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरी मैचिंग नहीं है इसके साथ,
आई कांट बी कमिंग ओवर हेयर नेक्स्ट टाइम, मैं कभी नहीं आऊंगा। आपके दोस्त मिलकर सारे आपको रेस्टोरेंट ले जाते हैं, आप अंदर सोचते हैं मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ कभी नहीं आऊंगा, ये तो बिल्कुल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल। इसलिए आप याद रखिए बात, जितनी लोग आपको मशवरे देते हैं पहले अपनी आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी परसेप्शन उनसे फर्क हो सकती है क्योंकि आप फर्क लोग हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्टर जो अब इम्पॉर्टेंट, एक और पॉइंट, एक डेफिनेशन इसकी इम्पॉर्टेंट होगी वो मैं आपको क्लियर करके लिख दूंगी। उसके बाद है फैक्टर्स, और मैं ये सारा जो पॉइंट है बार बार कह रही हूँ येलो करके भेज दूंगी आपको हाईलाइट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, अब आपको कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी परसेप्शन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले परसीवर, परसीवर पता कौन है, आप खुद। ये बहुत मैंने सवाल आते देखा है बहुत दफा, ठीक है, बहुत सारे बोर्ड्स में ये सवाल आ जाता है। परसीवर मीन आप खुद, और आप खुद किससे बने हो, ये देखो आपकी क्वालिटीज मैंने हाईलाइट कर। आपकी क्वालिटीज में आपका एटीट्यूड, आपके मोटिव्स मीन आपका नीड्स, आपकी इंटरेस्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके बिलीफ, सारा कुछ आपको बनाती है। अगर आपकी प्रायोरिटी फर्क है तो आप चीज को फर्क लेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने नहीं करना, आई डोंट नीड इट, बिकॉज यू डोंट नीड इट, आप नहीं लेंगे वो। दूसरा पॉइंट है टारगेट, टारगेट से मुराद है वो चीज जो तुम देख रहे हो, यानी वो चीज जो ऑब्जेक्ट है अंडर फोकस, यानी मिसाल के तौर पर मैंने हॉरर मूवी देखी, वो टारगेट है, इस वक्त हॉरर मूवी पे बात कर रहे हैं हमारे लिए, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ टारगेट है हॉरर मूवी। मैं कहूंगी भाई अगर तो तुम्हें इतना डर लगता है कि तुमने चीखें मारनी और रात भर जागना है, प्लीज हॉरर मूवी ना देखो, प्लीज फॉर गॉड सेक ना देखो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, मे बी आई परसीव इट इन अ वे, पीपल हु वॉच हॉरर मूवीज ऑलवेज आर स्केर्ड द होल नाइट लॉन्ग, और चीखे मारते हैं, ख्वाब भी उनको आते हैं, तो ये मेरा उस चीज के बारे में बात है, ठीक हो गया। तो जिस चीज को देखते हैं, और यहाँ पर एक मिसाल दी है इंडिविजुअल्स हु आर टॉकेटिव, अब टारगेट की क्वालिटी भी तो है, जैसे हॉरर मूवी डराती है, ठीक है, उसकी जगह लाइट सी कॉमेडी मूवी देखिए वो आपको हंसाई दी, लाइट मूड करेगी आपका। इसी तरह जो लोग बड़े टॉकेटिव होते हैं उनके अंदर क्वालिटी क्या है कि वो डोमिनेट करती है, इतना बोलते हैं ना चाहते हुए भी आपकी नजर उस तरफ चली जाती है, और आपके दिमाग में कानों में उसकी आवाज गूंजती रहती है बाद में भी, यार कितना बोलता है ये बंदा, ठीक है। तो आपका अ पर्सन हु इज टॉकेटिव इज राइटली टू बी नोटिस्ड, ज्यादा नोटिस हो जाएगा। इसके अलावा आप और चीजें देख लें, एक चीज है बहुत ब्राइट कलर की, ठीक है, और आपकी एकदम नजर, जैसे इसीलिए खवातीन प्रोमिनेंट हो जाती है ज्यादा मर्दों में, क्यों भला, इसलिए नहीं कि लोगों को कहीं जी नहीं उनको तो शौक होता देखने का, असल में खवातीन के कपड़ों के कलर्स भी तो बहुत फर्क होते हैं ना एज कम्पेयर टू मेल, एक कुदरती बात है कि कोई कपड़े अगर देखो, और जैसे यू थिंक अबाउट एनी शादी सेरेमनी, यहाँ पे लोग आए होते हैं, तो डू यू थिंक लड़कों के इतने को वैरायटी के, कितनी की वैरायटी तुम कर लोगे लड़के, तो लड़कियों के तरफ जी किसी ने साड़ी पहनी हुई है, किसी ने करारा पहना हुआ है, किसी ने बहुत ही और ब्राइट कपड़े या ज्वेलरी पहनी है, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द टारगेट, द थिंग इन फोकस इटसेल्फ इज हैविंग सम क्वालिटीज, दैट्स व्हाई यू लुक एट दैट। और ये बात नहीं कि तुम कहोगे यंग जो है वो लोग देखेंगे, बड़े लोग बूढ़ी खातीन सब भी देखती है, और वो तारीफ भी करेंगी, वहां इसने कितने प्यारे ड्रेस पहना हुआ है, और लड़कों के लिए जरा कम ही कह सकते हैं आप कितने का ड्रेस पहन लोगे, ठीक है, कलर्स पहन सकते हो, आपकी चॉइस अच्छी हो सकती है बिल्कुल। इसके बाद अगला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट, ये बड़ा ध्यान से समझना, पहले भी पढ़ाया आपको कॉन्टेक्स्ट, पता कैसे परसेप्शन पे फर्क करता है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स सराउंडिंग, आप चीज को किस में रखकर देख रहे हो। अब एक बहुत चमक धमक वाले कपड़े किसी के देखें, एक बंदी रेस्टोरेंट में बैठी हुई है तो इतने चमक वाले कपड़े हैं, या एक बंदा मैकडॉनल्ड्स खाने आया है और उसने पूरा थ्री पीस और टाई और बो और पता नहीं क्या क्या लगा के आया है, स्पेशली आई मीन यू थिंक द पर्सन इज क्रेजी कि ये रात का वक्त है, अभी तो उसका कोई ऑफिस टाइम भी नहीं है, और ये लोगों को भी लेके आया है और यहाँ पार्टी कर रहा है, तो ये इतना ड्रेसअप हो गया है। तो आप कॉन्टेक्स्ट में जो वो चीज देखते हैं रखकर उस मॉल में, तो आप कहते हैं ये क्या चीज हो गई। यहाँ पे एक मिसाल दी है कि एक आपका बॉस है, पढ़ लोगे तो उसको दी मैं भेजूंगी आपको, आपका बॉस है और वो बड़े कपड़े शपड़े पहन के आता है, उसने बड़ा कोट शोट पहना होता है,
जैकेट पहनी होती है, जब वो आता है तो बड़ा स्मार्ट लगता है। है तो पतला सा, मुझे पता है पतला सा है, लेकिन हमने सारों ने टीम ने ऑफिस की टीम बनाई और हमने क्रिकेट मैच रखा। अब देखा क्या कि बेचारा क्रिकेट मैच पे आपका बॉस, तौबा तौबा आपने की, आपने कहा इसके बाजू देखो, इसकी टांगे देखो, ये किट पहनी हुई है इसने, ये क्या लग रहा है। तो क्या है वो, अब बेचारे को तुमने, उस बंदा तो वही था लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया, टारगेट तो वही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया और तुम्हें वो बंदा वियर्ड लगा है और कहा देखो तो सही कैसे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मिसाल दे दी है कि तीनों चीजें अफेक्ट करती हैं। और फिर एक और बात है, बंदे को देखा कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट मैच, अगर मसलन मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ इट्स ओके, क्या हो गया, इसमें क्या बात है, दूसरा बंदा हंसना शुरू कर देगा, तीसरा बंदा बहुत ही हंसेगा। तो इस तरह क्या होगा, हर बंदा फर्क है, वो उस चीज को कैसे ले रहा है। तो तीनों में से जो अभी हमने बात की है ना, तीनों बातें की है, टारगेट आपका और आपका जो है कॉन्टेक्स्ट, और ये तीनों में से दो आप कॉन्स्टेंट कर दो, एक वेरिएबल कर दो, तो चीज के बारे में परसेप्शन बदल जाएगी आपकी। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन आपकी लॉन्ग टर्म होती, इम्प्लीकेशन किसी चीज के बारे में, और ये भी आप इसमें मैं आसान करके आपको आसान लैंग्वेज में भेजूंगी। और इसमें यह लिखा हुआ है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो फ्यूचर बेस्ड होती है, जाहिर बात है चाहे वो एक मिनट की क्यों ना हो। अब सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन लगाऊं कि जी अब आप मुझे सुन लेंगे तो उसके बाद नोट्स लिखेंगे या आप नोट कर लेंगे इस चीज को, आप तैयारी कर लेंगे, आपके पास आएगा, तो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। और कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उनको कहते हैं अनरीजनेबल, अनरीजनेबल होती है जो नहीं हो सकती। जैसे कि एक बंदा है वो सोचे कि मुझे जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये अनरीजनेबल है। या मैं अभी इंटरव्यू देकर आई हूँ और अभी मैं घर भी नहीं पहुंची, भले ही मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लोग मुझसे बड़े इंप्रेस हो गए, तो क्या आप समझते हैं कि वो आपको रस्ते में ही कॉल कर लेंगे, वो कहेंगे आ जाएं जी वापस ही आ जाएं, आपकी सीट खाली हमने आपको रख ली है। तो ये अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस है और कुछ रीजनेबल होती है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने इनके नाम याद रखने हैं, फैक्टर्स जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेंगे। नंबर वन, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इसको प्लीज नोट आप कर लेना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी चीज के बारे में, आपके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कि अगर एक बंदा ये समझता है कि जो टॉय शॉप्स या वीडियो शॉप्स जो हैं वो बच्चों के दिमागों को खराब करती हैं, वो जहां दुनिया में है उनको बंद कर देना चाहिए, तो ये उसके पर्सपेक्टिव्स हैं। दूसरा बंदा उसके बारे में फर्क रखता है नुक्ता नजर, वो कहता है नहीं नहीं टॉयज होने चाहिए, बच्चे लर्न करते हैं टॉयज से खेलकर। ठीक है, तो ये आपकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव्स हैं। और अक्सर बच्चे लोग जो है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव को परसेप्शन से कंफ्यूज कर देते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव भी परसेप्शन से बनती है। लेकिन आप यहाँ अलग अलग याद रखना, जैसे कि आपसे अगर पूछे तो आपने इसका जवाब दिया। सेल्फ एस्टीम का सिर्फ आपको मतलब आना चाहिए आपके पेपर के लिए, डिटेल नहीं आपने पढ़नी, मैं आपको ये छोटा सा करके समझा कर भेज दूंगी, अब सिर्फ सुन लो। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हम खुद को कैसा समझते हैं, हाउ वी मेजर आवर वैल्यू, हम अपनी वैल्यू को कैसे मेजर करते हैं। मुझे अपनी सेल्फ एस्टीम का पता है कि मैं समझती हूँ, अगर एक पर्सन है, ये देखिए यहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ समझाने के लिए, कि एक बंदा ये समझता है कि मैं वर्थलेस हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो भाई कई लोग हमें से होती है ना, घर में से एक बच्चा बहुत शार्प होता है, दूसरा कहता है मैं तो बहुत निकम्मा हूँ, मेरा छोटा भाई बहुत तेज है, मेरी छोटी बहन बहुत तेज है, ये बहुत सुनने में आता है। उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, अपनी सेल्फ एस्टीम ऊपर करो, तुम भी किसी और चीज में माहिर होंगे। ठीक है, तुम भले से डॉक्टर नहीं बन सके, तुम अच्छा अकाउंट्स कर लोगे, कोई बात नहीं, तुम अच्छा बिजनेस कर लोगे, तो आप अपनी वर्थ को फील करें, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। और जिनकी सेल्फ एस्टीम कम होती है वो ऐसे लोगों से मिले जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई है। और हमेशा एक वर्ड आप याद रख लेना, यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखो, यानी रोशन ख्याल, पॉजिटिव सोचो, इसका ये मतलब है। ठीक है, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिविटीज फैलती है उससे। और इसका अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो
कि मैं ये कर सकता हूं, और यकीन करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से सेल्फ एस्टीम भी हाई हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई हो जाती है। सेल्फ एस्टीम को आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूँ। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो होता है, वो घबराए फिरते हैं, दूसरों को कहते तुम कर दो, तुम बना दो मेरे लिए, वो खुद कुछ नहीं करते। और फिर उसका लास्ट एक पॉइंट है, बस इस पे मैं खत्म कर दूंगी, वो है सेल्फ असर्टिवनेस। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब होता है कि आप अपनी बात मनवाएं। सेल्फ असर्टिवनेस में अपने आप को असर्ट करें, अपने आप को लोगों को पहचान बताएं कि आपको क्या चाहिए। एक असर्टिवनेस होती नेगेटिव, जिसमें लोग अपने आप को इतना असर्ट करते हैं कि दूसरों की समझ बंद हो जाती है। घर में एक बंदा क्या करता है, अपने आप को इतना असर्ट करता है, सारे डरे फिरते हैं, चाहे वो खुदा ना खास आपके वालिद साहब हो या आपके घर में कोई और ऐसा कैरेक्टर है जिसने हर वक्त अपने आप को शोर मचाए रखना है, मुझे देखो मुझे सुनो मुझे देखो, ठीक है, जिसको कहते हैं वो अटेंशन सीकर होता है। तो सेल्फ असर्टिव जो होता है बंदा, उससे लोग डरते हैं, उनकी पसंद का खाना बनता है, परे परे हो जाओ, उसके कपड़े पहले इस्त्री कर दो, ये टेबल जो है इस तरह लगा दो, ऐसा गलत होता है। सेल्फ असर्टिवनेस का पॉजिटिव मतलब ये है कि लोगों को इतना जरूर बताओ ताकि वो तुम्हें क्या करें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना तुम ले लिए जाओ, तुम्हें तुम्हें ऐसे ही ना कोई तुम्हारे साथ यानी करता रहे, तुम उनको बताओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू है, तुम उन्हें बताओ तुम्हारी वर्थ है। तो आपकी अपने आप को असर्ट करो। अब एक बंदा है, बैठा हुआ है उसमें जहाज पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर लीनियंट है वो आपके कंधे पे सोया है, आप सीधा करें भी भाई, तुमने भी टिकट खर्ची मैंने भी खर्ची, तुम क्या सारा वक्त अपनी टांगे इतनी फैला के पीछे से आगे मुझे धिक्का लगा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज, आराम से करें, लड़ना नहीं है, आप समझे कि मैं इसे लड़ाना सिखा रही हूं, इट डजंट मीन, आराम से लोगों को अपनी वैल्यू बताएं, ठीक है, आप उनके एक पैरामीटर सेट करें। इट डज नॉट मीन तुम ऑफिस में बैठे हुए हो, जब तुम्हारा दिल चाहता है साथ वाला तुम्हारा दोस्त जो है या तुम्हारा कलीग दूसरे डेस्क पे बैठता है, वो उठाकर तुम्हारे पेन ले जाता है, टिश्यू पेपर बॉक्स ले जाता है, जब तुम टिश्यू पेपर बॉक्स देखते हो उसके ऑफिस में उसकी टेबल पे पाया जाता है, बस उसको बताओ कि भाई मेरा ये टेबल है, यू कांट डू इट, तुम मेरा कैसे टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, अपना सेट करो वहां पर। तो दिस इज कॉल्ड असर्टिवनेस, पॉजिटिव असर्टिवनेस, नॉट मेक इट नेगेटिव, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। That's it. 7 minutes are left only. यहीं से आगे शुरू करेंगे और इस टॉपिक को जब आप रिवाइज करोगे, इंपॉर्टेंट चीजें बस कर दूंगी, और प्लीज नोट करते जाया करो साथ साथ ताकि तुम्हें मेरी बातें समझ आए, एक आध अगर कोई सवाल है तो पूछ लेती हैं। ये थैंक यू वेरी मच, हैप्पी आप टीचर्स डे कह रहे हो, बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम है हफ्सा अमजद, थैंक यू। फिर इंपॉर्टेंट लिख दिया करें, हाँ जी मैं बिल्कुल आपको टॉपिक पे साथ साथ लिख दूंगी कि कौन सी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो, ठीक है। और इसी तरह ही आपको प्रेजेंटेशन वाला भी, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल तक, कल प्रेजेंटेशन का भी मिल जाएगा आपको टॉपिक, और आपको एक और टॉपिक जो मैंने आपको बताया था उसमें वर्किंग करी थी, वो है बिजनेस मैसेजेस के फॉर्मेट्स, बिजनेस मैसेज लेटर्स के पार्ट्स, वो भी आपको भेज दूंगी, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मुस्कान भी कह रही है हैप्पी टीचर्स डे, बहुत शुक्रिया, और थैंक यू फॉर योर एंडलेस पेशेंस एंड डेडिकेशन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कुत्सिया लिख रही है, थैंक यू दैट द वर्ल्ड कैन ब्रिंग, यू आर द वन हु नेवर टोल्ड दैट आई फेल्ड, ऑलवेज एनकरेज मी, वेरी गुड, हेल्प मी टू बिकम कॉन्फिडेंट। जी बिल्कुल, मैं हर एक के लिए चाहती हूँ कि वाकई दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो, कुछ कर लो, भले से मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में हर चीज जो तुम अचीव करने लगते हो तुम्हें वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, उसके लिए कोई और रास्ता निकाल लो, कोई और चीज में अपनी एक्सपर्टीज करो और वो चीज करो जिससे तुम्हें सुकून मिलता है, ठीक है। और आपने कहा है पेपर में प्रेजेंटेशन होगा कि नहीं, देखो सिर्फ प्रेजेंटेशन के एमसीक्यूज आएंगे, प्रेजेंटेशन आपकी नहीं आती, आपकी प्रेजेंटेशन पता कब आती है, आपकी आएगी प्रेजेंटेशन फाइनल जब आप कर चुके होंगे, जिसको हम लोग भी इवेलुएट करते हैं, वो आपकी लास्ट होती है, ठीक है, वहां पर आती है, इसके अलावा नहीं आएगी, बस इतनी सी बात है। और जैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगी, आप लिख के दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन आपको लिखनी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आप रीडिंग करेंगे। मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी आपको, हाईलाइट कर दी है, वो मैं आपको जब भेजूंगी
तो आप इसको प्लीज पढ़ लेना, साथ साथ नोट्स पढ़ते रहा करो, खुद भी इम्पोर्टेंट को मार्क कर लिया करो। और मैंने अभी आपको कहा प्रेजेंटेशन में आप इतना काम करो, कल तक के लिए कैपलन के अंदर चेक करो कि प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो देख लो, और आपको ये जैसी टॉपिक्स मिलती है कल, और उसकी फिर रीडिंग करना शुरू कर देना, और साथ साथ एमसीक्यूज करते जाओ प्लीज। जो जो कैपलन वाले जो बच्चों, एक प्लीज बात समझ लो, कैपलन के जो एमसीक्यूज है ना वो बुक के एंड में दिए हुए, आप वहां से देखिए, 1000 BC क्वेश्चन में एंड में आपको दिए हुए, ठीक हो गया, ये आप कर लो। और इसके अलावा जो आपकी जो सीए की बुक है उसके भी चैप्टर के एंड में दिए हुए क्वेश्चन और एंड में उसके आंसर्स भी हैं। और मैंने शायद आपकी क्लास को किसको भेजा हुआ है कि मैंने उसके लिए सिर्फ आपको जो सेल्फ टेस्ट है, हाँ शायद भेज दिया हुआ है आपको, कि सिर्फ सेल्फ टेस्ट अलग कर दिए, जिसमें आपने वहां से सिर्फ क्वेश्चन करो और उसका आखिरी जो चैप्टर फाइल है उसके अंदर उसके आंसर्स हैं। और एक जरूरी और बात बता दूं, वो लोग जो मुझे रिकॉर्डेड भी सुनेंगे, तो प्लीज एक मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पास सीआर और जीआर का नंबर है, अगर कोई आपने सवाल पूछना हो तो आप ऐसा जरूर कर सकते हो, सीआर और जीआर को क्वेश्चन दे दिया करो, वो क्वेश्चन आंसर सेशन में डाल दिया करें, या वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करें, ताकि मैं सबको जवाब दे दूं, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे लोगों को जो क्वेश्चन, हो सकता है क्लैरिटी और हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। जब आप मुझे इंडिविजुअल क्वेश्चन करते हो तो बाज़ोकात मैं उसके जवाब, मैं कोशिश करती हूँ 100% के आपको जवाब दे दूं, लेकिन बाज़ोकात मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअली क्वेश्चन जो है वो कभी कभार रह भी जाते हैं, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और अभी कैपलन को जरा देख लो और पिछले वाले सारी चीजें पढ़ लो, और देखो कि सवाल जो है कैपलन के अंदर क्या प्रेजेंटेशन के सवाल बने हुए हैं, और उसके आंसर चेक कर लो, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो सी यू टुमारो, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।